स्टोरी विथ अरुण पर आप लोग सुन रहे हैं सस्पेंस थ्रिलर सुपरनेचुरल और हॉरर उपन्यास खौफ की रात। लीजिए आज आप लोग सुनिए इस नॉवेल की 8वीं एपिसोड आरजे अरुण के साथ। नीच पापी, पुजारी ने पांव का भीषण प्रहार द्रिज की छाती पर किया और वो तख्त से सीधा जमीन पर आ गिरा। तेज पीड़ा के बावजूद भी उसके होठों से आह तक नहीं निकली। उसका चेहरा आंसुओं से गीला था, सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और चेहरे पर पश्चाताप के भाव थे। पुजारी से दृष्टि मिलाने तक का साहस नहीं था उसमें। वो जमीन से उठने की कोशिश न करते हुए पुजारी के दूसरे प्रहार की प्रतीक्षा करता रहा, मगर पुजारी ने उस पर दूसरा प्रहार नहीं किया। केवल एक प्रहार को ही पर्याप्त समझकर उन्होंने गीता का अधोलोकित श्लोक कहा, निर्विंधा नरकेश्वर द्वारा नास नापांसन काम क्रोधात्सन लोभस्ता मातेन्त्रन जयतेत्रा। श्लोक सुनने के बाद भी द्रिज ने दृष्टि ऊपर नहीं उठाई। एक ब्राह्मण होकर भी तो गीता के इस श्लोक को कैसे भूल गया? पुजारी ने इस कदर दांत पीस कर कहा, मानो वाक्यों के जरिए अपनी संपूर्ण क्रोधा अग्नि को द्रिज के ऊपर उड़ेल देना चाहते हो। तो ये कैसे भूल गया कि मोह ही मनुष्य की अधोगति का मुख्य कारण होता है? तुझे क्यों नहीं स्मरण रहा कि तेरे भाई का काया में प्रेतात्माओं का देवता प्रविष्ट हो रहा था? तुझे क्यों नहीं स्मरण रहा कि यदि अभ्यानंद की काया को समाप्त नहीं किया गया तो शमशानेश्वर नाम का वो अशरीरी पिशाच उसकी काया में कैद घृणित वासनाओं की शक्ति पाकर नरभेड़िए के रूप में अवतरित हो उठेगा? तुझे क्यों नहीं स्मरण रहा कि तेरा मातृ मोह संपूर्ण शंकरगढ़ के लिए घातक हो जाएगा? तो गणित जैसे व्यवहारिक विज्ञान का प्रकांड ज्ञाता था द्रिज, कहां लुप्त हो गई थी तेरी ये व्यवहारिकता जो तूने अभ्यानंद को बचाने की चेष्टा में समूचे राज्य के प्रबंध को दाव पर लगा दिया। बड़े भाई के प्रति जिस मोह को तूने 24 वर्षों से जड़ करके रखा हुआ था, वो मोह अचानक चैतन्य कैसे हो उठा? क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए। द्रिज पुजारी के चरणों में सिर रख कर रो पड़ा। मैं धर्म संकट में था। बाल्यावस्था में जो अग्रज मेरे लेस मात्र पीड़ा पर भी द्रवित हो उठता था, उसी अग्रज का जीवित दाह संस्कार देख सकने का साहस नहीं था मुझ में। इसलिए मैंने शंकरगढ़ और अभ्यानंद के जीवन में से अभ्यानंद के जीवन को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। तो धर्म संकट में नहीं था द्रिज, तो मोहजनित स्वार्थ के वशीभूत था। आप मेरी दशा को चाहे जो संज्ञा दे गुरुदेव, किंतु सत्य यही है कि मैं विवश था। विवश तो तू था ही, तू मोह की विवशता में जकड़ा हुआ था, किंतु तेरी उस विवशता की आड़ में तेरा अपराध नहीं छिप सकता। तूने तो ऐसा अपराध किया है कि उस अपराध का दुष्प्रभाव समूचे राज्य पर पड़ेगा। मुझे क्षमा कर दो गुरुदेव, क्षमा कर दो मुझे। तेरा अपराध अक्षम्य है द्रिज, तू स्वयं से ये प्रश्न पूछ कि यदि तेरी वर्षों पुरानी निष्ठा को देख मैं तुझे क्षमा कर भी दूं तो क्या तेरे अपराध का दुष्प्रभाव शंकरगढ़ पर नहीं पड़ेगा? क्या शंकरगढ़ की निरीह प्रजा को पिशाच के क्रोध का भाजन नहीं बनना पड़ेगा? पुजारी के चेहरे पर विवशता भरी झुंझलाहट काबिज हो गई। तूने क्या कर दिया द्रिज, मातृ मोह में पड़कर तूने शंकरगढ़ को विनाश की किस गर्त में धकेल दिया? काश उसी क्षण मैंने गला दबाकर तेरा वध कर दिया होता, जिस क्षण तू एक धूल धूसरित बालक के रूप में अपने भाई को ढूंढते हुए शंकरगढ़ आया था और मैंने तुझे त्रासदी का मारा हुआ अनाथ बच्चा समझकर देवी मंदिर में आश्रय दिया था। कुछ सीमा तक पुजारी के वाक के बानों से तो कुछ सीमा तक अपने कृत्य की विभीषिका की कल्पना से द्रिज आहत होता रहा। चला जाना नराधम, मेरे दृष्टि विस्तार से ओझल हो जा, आज से तू मेरे लिए परित्यक्त है। घृणा के आवेश में आकर पुजारी ने द्रिज के चेहरे पर थूक दिया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा गुरुदेव। गुरु की थूकी हुई थूक को पोंछते हुए द्रिज ने बिलख कर कहा, मैं अपने अपराध की काली छाया शंकरगढ़ पर नहीं पड़ने दूंगा। तू कुछ नहीं कर सकता द्रिज,
परंतु अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। शंकरगढ़ के विनाश तेरे ही कारण होगा। नहीं गुरुदेव, आपने मेरे नेत्र खोल दिए। मैं अब स्वयं जाकर भैया का दाह संस्कार करूंगा। पुजारी एक दीर्घ निश्वास भर कर खामोश रह गए। मैं जा रहा हूं गुरुदेव, मैं भैया की झोपड़ी में जा रहा हूं। द्रिज उठने को उधत हुआ, किंतु पुजारी की वाणी ने उसे जड़ कर दिया। अब कोई लाभ नहीं है। अभिनंद के अर्धमृत शरीर को कपालिक उठा ले गए। तुम्हें अब वहां कुछ नहीं प्राप्त होगा। द्रिज के हाथ पांव थरथरा उठे। भावी रक्तपात और महाविनाश की असली अनुभूति तो उसे अब हुई। कपालिक कैसे पहुंच गए भैया तक, मुझे नहीं क्या। पुजारी का लहजा अब थोड़ा नरम पड़ गया था। क्रोधाग्नि के मंथर पड़ जाने के बाद उन्हें द्रिज द्वारा उठाए गए कदम के पीछे छिपी स्वाभाविक भावुकता का आभास होने लगा था। पीपल के तने में आग लगाने के बाद भीषण बारिश के आसार देखते हुए महाराज समेत सभी लोग लौट आए थे। वापसी के उपरांत तुम्हें यहाँ ना पाकर मुझे आभास हो गया था कि अभयानंद रक्त संबंध के कारण पनपी भावुकता तुम पर हावी हो चुकी है और तुम उसे बचाने के असंभव कृत्य को संभव बनाने हेतु निकल पड़े हो। मैं एक क्षण का भी विलंब किए बिना अभिनंद की झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ा था, किंतु विधाता ने नियति में जिस घटना को लिख रखा था वो घटना घट चुकी थी। मुझे विलंब हो चुका था। अभिनंद की झोपड़ी में तुम अचेतावस्था में पड़े थे। तुम्हारे सिर से होता रक्तस्राव इंगित कर रहा था कि तुम्हारे सिर पर प्रहार करके तुम्हें अचेत किया गया था। झोपड़ी में तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं था। द्रिज की आंखों के सामने दृश्य घूम गया। जब अभयानंद के बदन पर औषधि का लेप लगाते समय उसके सिर पर प्रहार हुआ था, वो सहज ही इस नतीजे पर पहुंच गया कि हमला करने वाले अभयानंद के तंत्र समुदाय के कपालिक ही थे जो उसे तलाशते हुए आए थे। मैं ये क्या कर बैठा गुरुदेव, क्या कर बैठा मैं। पश्चाताप के आंसुओं से द्रिज के गला भीगने लगे। नियति के कालचक्र ने छला है मुझे। न तो मैं बड़े भाई के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सका और न ही समाज के प्रति अपने दायित्व का। मैं तो दोनों ही परीक्षाओं में अनुतीर्ण हो गया गुरुदेव। माँ मुझे इसलिए पापी कहेंगी क्योंकि मैंने समाज के भय से अपने भाई को अपनाकर उसे समय रहते सदमार्ग पर लाने का प्रयत्न नहीं किया, और शंकरगढ़ की प्रजा मुझे इसलिए पापी कहेगी क्योंकि उसी भाई के प्रति मेरा मुंह एक पिशाच के अवतरण का निमित्त बनेगा। ये विधाता का कैसा गणित था गुरुदेव, जो मुझ जैसा सांसारिक गणित का प्रकांड ज्ञाता भी नहीं समझ सका। तुम राज्य से चले जाओ। मैं महाराज से कह दूंगा कि तुमने अपराध बोध से ग्रस्त होकर आत्महत्या कर ली। पुजारी भी द्रिज की मनोदशा पर द्रवित हो गए। नहीं गुरुदेव, द्रिज ने चेहरा ऊपर उठाया। जो पाप मैंने किया है उसके प्रायश्चित के लिए मेरे आंसू पर्याप्त नहीं है। यदि शमशानेश्वर भैया के शरीर को माध्यम बनाकर अवतरित हुआ है तो मैं उसका सर्वनाश करके अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा। ये असंभव है। मैं इसे संभव बनाऊंगा गुरुदेव, मैं इसे संभव बनाऊंगा। नहीं गुरुदेव, द्रिज ने चेहरा ऊपर उठाया। जो पाप मैंने किया है उसके प्रायश्चित के लिए मेरे आंसू पर्याप्त नहीं है। यदि शमशानेश्वर भैया के शरीर को माध्यम बनाकर अवतरित हुआ है तो मैं उसका सर्वनाश करके अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा। ये असंभव है। मैं इसे संभव बनाऊंगा गुरुदेव। पुजारी का कथन पूर्ण होने से पूर्व ही द्रिज का लहजा दृढ़ हो उठा। मैं इसे संभव बनाऊंगा, अवश्य बनाऊंगा। वो भूमि से उठा। सहसा उसके मुखमंडल पर किसी अलौकिक आत्मविश्वास का प्रखर तेज विद्यमान हो उठा था। मैं वापस आऊंगा गुरुदेव, मैं अपनी भूल को सुधारने वो वापस जरूर आऊंगा। द्रिज के प्रस्थान के पश्चात भावी अनिष्ट की कल्पना में खोए पुजारी गर्भगृह की ओर मुड़े। गर्भगृह में सन्नाटा फैला हुआ था। हालांकि प्रातकालीन वंदना हो चुकी थी किंतु देवी के निवास की भव्यता मानो कहीं लुप्त हो गई थी। प्रतीत हो रहा था कि मंदिर के परिवेश का हर एक कोना शमशानेश्वर के अवतरण का मातम बना रहा था।
माँ भगवती तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में पूर्ण करे द्रिज। तुम पापी नहीं हो। नियति के कालचक्र ने सचमुच छला है तुम्हें। पुजारी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। माँ भगवती तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में पूर्ण करे द्रिज। तुम पापी नहीं हो। नियति के कालचक्र ने सचमुच छला है तुम्हें। पुजारी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। रात खामोश थी। वातावरण में केवल अभयानंद की कराह व्याप्त थी। उसके अधजले शरीर को कई भेड़िए गोल दायरे में घेर कर बैठे हुए थे। नीचे की ओर झुके हुए उनके थुथुन उनके शोक ग्रस्त होने का संकेत दे रहे थे। ये गोल दायरा शमशानेश्वर की पाषाण प्रतिमा के ठीक सामने बना हुआ था। एक कपालिक अभयानंद को औषधि लगा रहा था। दायरे से थोड़ी ही दूर पर वो स्थान था जहाँ अघोरी को दफनाया गया था। कब्र के उभार पर दीप जल रहे थे। वातावरण में इन दीपों की रोशनी के अतिरिक्त अन्य कोई रोशनी नहीं थी। तारे भी कपालिकों के इस महाशोक पर चमकने का साहस नहीं कर पा रहे थे। अंधेरे में डूबी शमशानेश्वर की स्याह मूर्ति और भी भयाव हो रही थी। कमर में काली कोपिन लपेटे हुए कई कपालिक इधर उधर टहल रहे थे। समय के गुजरते की धीमी गति पर सभी क्रोधी थे। वो मातमी वातावरण सामान्य मनुष्य के लिए मरघट से भी अधिक भयावह था। औषधि लगा चुकने के बाद कपालिक उठा और भेड़ियों के दायरे को लांग कर समीप ही टहल रहे एक अन्य कपालिक के पास पहुंचा। गुरुदेव की काया में महाप्रभु का आगमन एक दिन पहले ही आरंभ हो चुका है। उसने कहा, प्रभु को उनकी काया में पूर्णतया आविष्ट होने के लिए 3 दिन निर्धारित है। आज की मध्यरात्रि के गुजर जाने के पश्चात दूसरा दिन भी पूरा हो जाएगा। कल मध्यरात्रि तक काया प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। गुरुदेव के शरीर को नष्ट करने के प्रयास में उसे 3/4 तक जला दिया गया है। इसलिए गुरुदेव कल मध्यरात्रि तक दाह की पीड़ा भोगते ही रहेंगे। हम औषधि इत्यादि से केवल उनकी पीड़ा को कम कर सकते हैं। उन्हें पीड़ा से अस्थाई मुक्ति तो तभी मिलेगी जब प्रभु गुरुदेव की काया में पूर्णतया प्रविष्ट होकर अवतरित हो उठेंगे और गुरुदेव की आत्मा अपनी काया छोड़कर प्रभु शमशानेश्वर के साम्राज्य में विलीन हो जाएगी। उपयुक्त सूचना पाकर कपाली के जबड़े भीज गए। उसने दर्द से तड़प रहे अभिनंद को देखा और खूंखार लहजे में बोला, गुरुदेव के अतिशय कष्ट का मूल्य चुकाना होगा शंकरगढ़ को। उनके कष्ट का निमित्त बनकर उदयभान ने साक्षात काल को अपने राज्य में आमंत्रित किया है। अकल्पनीय रक्तपात को देखकर उनके नेत्र भी रक्त वर्षा करने लगेंगे। हम गौन वंश के कपालिक हैं। हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु शमशानेश्वर का अवतरण होगा, निश्चित ही होगा। राज्य के सैनिक गुरुदेव के शरीर को ढूंढने के लिए जंगल के कोने कोने में बिखरे हुए हैं, किंतु हमें इसका भय नहीं है क्योंकि हमने इस स्थान को भ्रम के आवरण में ढक रखा है। यदि कोई सैनिक इस ओर आया तो दृष्टि भ्रम में उलझकर उसे कुछ नजर नहीं आ सकेगा। अत्युत्तम कपालिक जो अभिनंद के बाद मठ का प्रमुख था प्रशंसात्मक लाजे में बोला, अब तुम विश्राम करो, गुरुदेव की सेवा में दूसरे सदस्य को लगा दो। निर्देश देने के बाद मठ प्रमुख ने आकाश की ओर देखकर अनुमान लगाया कि रात्रि का तीसरा प्रहर आरंभ होने ही वाला था। कालचक्र पहले ही रचा जा चुका था। द्रिज के मोह ने जिस महाविनाश की पृष्ठभूमि तैयार की थी उसे ईश्वर ने नियति का रूप दे दिया था। ऐसे में भला कौन था जो उस महाविनाश को असंभाव्य बना पाता। समय अपने स्वाभाविक गति से व्यतीत हुआ और देखते ही देखते शमशानेश्वर की काया ग्रहण प्रक्रिया का तीसरा दिन भी पूरा हो गया और फिर पहली 3 रातों तक शमशानेश्वर का कहर मुख चौपायों पर टूटा। इसके बाद 4थी रात अपनी स्याह कालिमा से शंकरगढ़ के प्रारब्ध पर कालिख फोतने आई। मरघट के उस हिस्से में अग्न्यधान को प्राप्त हो चुकी एक चीता के लपटों की रोशनी व्याप्त थी।
दाह के पश्चात की क्रिया संपन्न कराने के लिए लगभग 20 लोगों का हुजूम चिता के इर्द गिर्द उपस्थित था। वहां का मातमी वातावरण आज कुछ इसलिए भी भयावह हो रहा था क्योंकि दक्षिण में फैले घने जंगल से भेड़ियों के चीखने की आवाजें लगातार आ रही थी। वायु के तीव्र वेग के कारण चीता की लपटें विचित्र ध्वनि उत्पन्न करते हुए इधर उधर लहरा रही थी। सौ को मुखाग्नि देने वाला चारों ओर फैले निविड़ अंधकार को देख रहा था। उसका मस्तिष्क जीवन और मृत्यु के दर्शन पर चिंतन करने में व्यस्त था, इसलिए उसका ध्यान उस चर्चा की ओर नहीं था जो शव यात्रा में साथ आए लोगों के बीच चल रही थी। राज्य में अफवाह फैली हुई है कि पिछले 3 दिनों से चोरी किए गए जिन चौपाओं की लाशें या मरघट में बरामद हो रही है उन्हें मारने वाला कोई जंगली पशु नहीं है, तो फिर कौन है? शायद कोई ऐसा पशु जिसमें शेर या चीते से भी अधिक दरिंदगी भरी हुई है। लोगों की कल्पना में उस भयानक पशु का अक्स उभरने लगा। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जहां पर अभयानंद को जलाया गया था अगली सुबह वहां से उसकी राख भी नहीं मिली थी। जब वो कपालिक पूरी तरह जला ही नहीं था तो राख कहां से मिलेगी? लेकिन वो पूरी तरह जला क्यों नहीं? क्या उस रात की तेज मूसलाधार बारिश को भूल गए तुम लोग जिसके उफान को देखकर ऐसा लग रहा था जिसे पिशाच भी ये नहीं चाहता था कि उसका भक्त जलकर मरे? अगर उस बारिश में अभयानंद बच भी गया होगा तो फिर उसे पीपल से उतारा किसने होगा और फिर वो गया कहाँ होगा? वो जंगल में रहने वाले दुष्ट कापालिकाओं के मठ का स्वामी था। क्या कपालिक उसे बचाने के लिए नहीं आए होंगे? लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था, उसे पूरी तरह आग के हवाले कर दिया गया था। कपालिकों को उसे बचाने का क्या लाभ मिला होगा? उसकी मौत तो निश्चित थी। उपयुक्त तर्क देने वाला कई निगाहों का केंद्र बिंदु बन गया। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अभयानंद शमशानेश्वर सिद्धि नामक अनुष्ठान पूर्ण कर चुका था? उस अनुष्ठान को पूर्ण करने वाले मनुष्य के शरीर में शमशानेश्वर निवास करने लगता है। यदि उस मनुष्य के शरीर को 3 दिनों के अंदर नष्ट नहीं किया जाता है तो शमशानेश्वर उस शरीर को धारण करके जीवित हो उठता है। हे देवी माँ, कमजोर दिल वालों ने मुंह पर हाथ रख लिया। शुभ शुभ बोलो, ईश्वर ना करे ऐसा हो। अगर ऐसा हो गया, किसी अन्य ने अजीब शक्ल बनाते हुए कहा, तो अनर्थ हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी, पूरा शंकरगढ़ वीरान हो जाएगा, पिशाच को किसी भी उपाय से रोका नहीं जा सकेगा, ईश्वरीय शक्तियां भी उसके आगे कमजोर पड़ जाएंगी। शमशानेश्वर के बारे में पुराने ग्रंथों में लिखा है कि वो यमराज का दूसरा रूप है। वो भडमानस के रूप में आता है। उसके हाथ पैर के लंबे और नुकीले नाखूनों से लहू टपकता है। आंखें धधकते लावे की भांति सुर्ख होती है। वो दाहिने हाथ में कटार लेकर शिकार पर निकलता है। बाएं हाथ की मुट्ठी में शिकार के बाल जकड़ता है और कटार से उनकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। ठीक उसी क्षण जंगल से एक भयानक गर्जना उठी और लोगों ने सहम कर उस दिशा में देखा। इतनी रात गए जंगल में कौन गरज रहा है? ये तो किसी शेर या चीते की गर्जना नहीं है। लोगों के पसीने छूट गए। उन्होंने जलती चीता की ओर देखा। सौ के पूरा जलने में अभी समय था। कुछ होने वाला है। कई लोगों की आशंकित निगाहें आकाश की ओर उठ गई। काले घने बादल रहस्यमय दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। निर्जन मरघट में झूमते वृक्षों की स्याह आकृतियां भयावह लगने लगी थी। चीता की लपटें भी अब पहले से उग्र हो उठी थी। विगत 3 दिनों से मरघट में पाए जा रहे पशुओं के शव को लेकर फैली अफवाहें सच का रूप लेती नजर आने लगी। हमें वापस लौटना होगा, किसी ने प्रस्ताव रखा। कोई हमारा काल बनकर मरघट की ओर आ रहा है। ये सब उसी के आने के संकेत हैं। ऐसे कैसे जा सकते हैं? उस शख्स ने जिसने शव को मुखाग्नि दी थी उपयुक्त प्रस्ताव रखने वाले को घूरा। अभी अंतिम संस्कार कथन पूर्ण होने से पूर्व ही उसी दुर्दांत गर्जना से एक बार फिर मरघट को कपा दिया। इस बार गर्जना निकट से आई थी। लौटने की राय देने वाले को हावी होने का अवसर मिल गया। मर चुके इंसान के लिए जान गंवाना मूर्खता भरी भावुकता मात्र है।
महापंडित से विमर्श करके अधूरे अंतिम संस्कार को पूर्ण करने का कोई विकल्प ढूंढा जा सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ मौजूद रहे तो जो रहस्यमयी मौत हमारी ओर बढ़ रही है उसे बचने का हमारे पास और कोई विकल्प नहीं होगा। मृतक के संबंधियों को भी ये कथन तार्किक लगा। पल प्रतिपल भयाव होता जा रहा मरघट का वातावरण चिता पर रखे अजले शव के प्रति लोगों की संवेदनाओं पर भारी पड़ने लगा। हम वापस लौट रहे हैं, एक व्यक्ति ने घोषणा के स्वर में कहा। सजीवन अभी लौटा नहीं। प्रकरण के इतर वाक्य के मुखारित होते ही लोगों को झटका लगा। सजीवन कहाँ गया है? दल के नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आ चुके आदमी ने पूछा। हमने उसे दक्षिण की ओर अंधेरे में जाते देखा था। हमें लगा प्राकृतिक कर्म से निवृत्त होने के लिए जा रहा होगा, इसलिए टोकना उचित नहीं समझा। सभी की भयाक्रांत दृष्टि दक्षिण की ओर उठ गई। दूर तक काजल से भी काला अंधेरा व्याप्त था। ये रूह तक को कपा देने वाली भीषण गर्जनाओं का ही खौफ था, जो प्रत्येक के मन में ये विश्वास पनपने लगा था कि सजीवन अब उस अंधेरे से कभी बाहर नहीं आएगा। जंगल से आती वृक्षों की मध्यम सरसराहट से बोध होता था कि खौफनाक अंधेरा सजीव होकर सांसें ले रहा है। ओ वापस चलो सजीवन, सजीवन अब कभी नहीं लौटेगा। जब मनुष्य के प्राणों पर संकट आता है तो सभी नैतिक मूल्यों को विस्मृत कर देता है। मरघट में उपयुक्त कथन चरितार्थ हो गया। वे वापस मुड़ने को उदित हुए ही थे कि आह, अंधेरे के गर्भ से एक छीन आह निकली। लोग ठिठक कर रुक गए, दम साधे हुए अंधेरे को ही घूर रहे थे कि अचानक उनकी धड़कनें थम गई। खून से लथपथ सजीवन अंधेरे में से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। साथियों पर दृष्टि पड़ते ही उसका वो हौसला जवाब दे गया जिसके दम पर उसने किसी अज्ञात मुसीबत से बचकर यहाँ तक का फासला तय किया था। जमीन पर गिरने के बाद उसने हाथ आगे बढ़ाकर मदद की गुहार लगाई। उसका गला आवाज निकलने में असक्षम हो चुका था। लोग उसकी ओर लपके। जहां जहां सजीवन के कपड़े फट गए थे वहां वहां से झांक रहे जिस्म के हिस्से रक्त रंजित थे। उसके दोनों गालों और हाथ पर भेड़िए के पंजों के निशान थे। उसकी एक पिंडली खून से लथपथ थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां से मांस का एक बड़ा हिस्सा काट खाया गया हो। क्या हुआ तुम्हें? कहाँ थे तुम? किसने तुम पर हमला किया? उपयुक्त अनगिनत सवालों के जवाब में सजीवन केवल निगाहों के जरिए अपने जख्मों की ओर इशारा करता रहा। उस पर निश्चेष्टा हावी हो रही थी। गला सूख रहा था और पलकें बंद होती जा रही थी। बोलने के प्रयास में उसका मुंह खुल अवश्य रहा था किंतु जुबान कोई हरकत नहीं कर पा रही थी। चाहकर भी कुछ ना बोल पाने की तड़प उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। इस पर जरूर पिशाच ने ही हमला किया है। पहले से ही खौफ ज्यादा लोग सहज ही उपयुक्त निष्कर्ष पर पहुंच गए। रही सही का सर बेहद समीप से आई तीसरी गर्जना ने पूरी कर दी। वो आसपास ही है। लोगों ने चलने में असमर्थ हो चुके सजीवन की ओर देखा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। याचना और पीड़ा के भाव से युक्त उसका चेहरा दयनीय हो उठा था। वो बार बार अंधेरे की ओर देख रहा था। ये अब चल नहीं सकता। अब क्या होगा? इसे कैसे चलेंगे हम? समूह का नेतृत्व करने वाले ने एक नज़र अंधेरे पर डाली। एक एक करके सभी लोगों के चेहरे का मुआयना किया और फिर एक झटके में अपना फैसला सुना दिया। अगर हम यहाँ से सही सलामत निकलना चाहते हैं तो हमें सजीवन को यहीं छोड़ना होगा। ये क्या कह रहे हो तुम? पागल मत बनो। पिशाच के मुंह इसका खून लग चुका है। वो इसे किसी भी दशा में जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर हम इसके साथ लेकर इसे भागेंगे तो इसके साथ हम भी उसका शिकार बनेंगे, उसने झुंझलाते हुए कहा। उसका बदन पसीने से भीगा हुआ था, सांसें तेज हो गई थी। हालांकि वो भी बुरी तरह बदहवास था, लेकिन अन्यों की अपेक्षा इतना संयत जरूर था कि कोई निर्णय ले सकने में सक्षम था। बाकियों की दशा ऐसी थी जैसे कलेजे के साथ साथ उसका जीवन भी हलक में अटक गया था। सजीवन थोड़ी देर पहले जिन साथियों के साथ मौजूद था उन्हीं की अब स्वार्थ परक बातें सुनकर उसका कलेजा असहनीय कष्ट से फट पड़ा था। हृदय की उस टीस के आगे जिस्म की पीड़ा भी हार गई।
पिशाच के भोजन को हाथ मत लगाओ, पिशाच तुम्हें भी हाथ नहीं लगाएगा। कम से कम इस मरघट से तो हम सही सलामत निकल ही जाएंगे। इस आखिरी निर्णय का सभी ने भारी मन से स्वागत किया। सजीवा ने मदद को आगे बढ़ाए हुए अपने हाथ को पीछे खींच लिया। उसने आंखें बंद करके आखिरी बार इष्ट को याद किया और स्वयं को प्रारब्ध के बंधन में ढीला छोड़ दिया। चलो यहाँ से, जल्दी चलो, पिशाच यहीं आसपास ही है। और फिर सजीवा ने क्षण प्रति क्षण दूर होती गई कदमों की पदचाप को सुना। यही सांसारिक रिश्तों का घिनौना रूप है। इससे पहले कि वो आगे कुछ सोच पाता, महापिशाच की रूह थर्रा देने वाली गर्जना को उसने बेहद निकट से सुना। इसके पास साथ उसने केवल इतना ही महसूस किया कि कोई उसके दोनों पैरों को पकड़कर घसीटते हुए दूर ले जा रहा है। तत्पश्चात सब कुछ अंधेरे में डूब गया। एक साथी के प्राणों के मूल्य पर अपने प्राण बचाकर भाग रहे स्वार्थी इंसानों ने पर्याप्त दूरी पर पहुंचकर पीछे देखा। सब कुछ अंधेरे में गर्त हो चुका था। चिता के लपटों की रोशनी में उन्हें नजर आया कि जहां पर थोड़ी देर पहले सहारे की भीख मांग रहा सजीवन पड़ा हुआ था, वहां अब कुछ नहीं था। उनके भय का कुछ अंश जिज्ञासा में परिणत हुआ और वे थम गए कि तभी अंधेरे को चीरकर एक दरिंदा बाहर आया। वो दो पैरों पर खड़ा अतिशय ऊंचाई वाला एक नर भेड़िया था। उसके दाहिने हाथ में मौजूद कटार से खून टपक रहा था। बाएं हाथ की मुट्ठी में उसने सजीवन के कटे हुए सिर के बालों को जकड़ रखा था। उसके जबड़ों से सजीवन के शरीर के किसी हिस्से का मांस लटका हुआ था। भागो! इस बार जब उनके पांव मुड़े तो फिर उन्होंने दोबारा पलटने की जरूरत नहीं की। शमशानेश्वर ने प्रचंड स्वर में दहाड़ कर अपने पहले मानव शिकार का जश्न मनाया। और रात का ना जाने कौन सा प्रहार था जब माया ने चौंक कर आंखें खोल दी। कुछ क्षणों तक उजड़ रही, ये ज्ञात होते हुए भी कि उसकी नींद खुल चुकी है, अपने हाथ पांव नहीं ला सकी। कुछ क्षणों बाद जब हालात सामान्य हुए तो उठकर बैठी। इतना भयानक दुस्वप्न! बड़बड़ाते हुए उस सीने पर हाथ रखकर सांसों को संयत करने लगी। एक अजनबी खौफ उस पर लगातार हावी होता जा रहा था। शयन कक्ष में अंधकार था, केवल चंद्रमा की छीन रोशनी ही थी जो वहां बिखरी हुई थी। वो पलंग से उतरी, करतल ध्वनि उत्पन्न करके दासी को कक्ष में आने का संकेत देकर बरामदे की ओर बढ़ गई। काले बादलों से घिरा चांद बीमार नजर आ रहा था। बरामदे से लटके रोशनी पर्दे हवा से अटखेलिया करते हुए फड़फड़ा रहे थे। माया का दुख स्वप्न साधारण नहीं था। उसने अभयानंद को देखा था जो उसके देखते ही देखते भयानक नर भेड़िये में तब्दील हो गया था। उसने भागना चाहा था मगर उस भेड़िया मानव ने दौड़कर उसकी कलाई पकड़ ली थी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उसने देवी मंदिर जाने की राह में पहले भी उसकी कलाई पकड़ी थी। सपने के उन क्षणों में निहित खौफ को याद करके वो कांप गई। उसने कलाई को देखा, उसे अभी वहाँ भेड़िए की नाखूनों के चुभन का एहसास हो रहा था। कक्ष में दासी के प्रवेश की आहट पाकर उसने उसकी ओर मुड़े बगैर ही आदेश दिया, कक्ष में उजाला कर दो। आदेश पाकर दासी कक्ष में जगह जगह मौजूद स्वर्ण दीप धारों पर रखे दीपों को जलाने में व्यस्त हो गई। अनिष्ट, घोर अनिष्ट! कुलगुरु दक्षिण की ओर चले गए। खून से सने भेड़िए के पंजों के निशान पर नजर डालते हुए भयभीत स्वर में बोले, अंततः जो संदेह हमने व्यक्त किया था वहीं सत्य सिद्ध हुआ। मरघट में महाराज, सेनापति और कुलगुरु के साथ साथ सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी भी उपस्थित थी। सजीवन के छत बिछत सौ पर कपड़ा डाल गया था। उसकी हृदय विदारक अकाल मृत्यु ने शमशानेश्वर के जागरण के अफवाहों पर पूर्ण विराम लगाते हुए उन्हें सच का रूप दे दिया था। उन नागरिकों के दावे सही थे कुलगुरु, जिन्हें चोरी हुए चपाओं के सौ पहले ही यहाँ मरघट में प्राप्त हो चुके थे। उनका यह संदेह मिथ्या नहीं था कि अभयानंद ब्रह्मा पिशाच के रूप में लौट आया है। हमें उसी क्षण अनहोनी का आभास हो गया था जब अभयानंद के दाहकर्म की अगली सुबह हमें पीपल के पास दाह का कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुआ था। कुलगुरु ने कहा, इस संभावना की ओर हमारा ध्यान गया था कि
कहीं अभिनंद के शरीर को कपालिक ने उठा ले गए हो। किंतु हमने ये सोचकर इस पर मना नहीं किया था कि यदि कपालिक अभिनंद को पीपल से उतार कर ले गए भी होंगे तो साधारण रूप से जल चुका उसका शरीर शमशानेश्वर के काया प्राहन के लिए अपनी उपयुक्तता गंवा चुका होगा। इसी कारण विगत 3 दिनों से राज्य में हो रहे पशुओं की चोरी को हमने अभिनंद की वापसी से जोड़कर नहीं देखा, किंतु अब सजीवन की मृत्यु इस भयानक रहस्य को अनावृत कर चुकी है कि शमशानेश्वर अवतरित हो चुका है। किंतु ऐसा कैसे संभव है कुलगुरु? महाराज ने विचलित स्वर में कहा। असाधारण रूप से जल जाने के उपरांत भी कोई कैसे जीवित रह सकता है? जिस क्षण हम लौटे थे उस क्षण पीपल भीषण आग की चपेट में था। अप्रतिम जिजीविषा के कारण अभिनंद का सहजता से प्राणसर्ग नहीं हुआ। संभव है कि अग्नि की प्रचंडता उसकी वासना की प्रचंडता के आगे ठहर ना पाई हो। हमें ये भी स्मरण होना चाहिए राजन कि जिस क्षण हमने वापसी की थी उस क्षण तीव्र बारिश के संकेत प्राप्त हो रहे थे। महाराज कुलगुरु का आशय समझ गए। उन्हें उस क्षण पर अफसोस होने लगा जब उन्होंने अभिनंद की दाह क्रिया समाप्त होने से पूर्व ही लौटने का आदेश दिया था। अब क्या होगा कुलगुरु? सेनापति की ये प्रश्न ने कुलगुरु को विचलित किया। उन्होंने गहरी सांस लेकर दक्षिण में फैले घने जंगल को देखा। जंगल भयावह प्रतीत हो रहा था। उसकी भयावहता इसलिए भी अधिक थी क्योंकि अब उसमें एक नर भेड़िया निवास कर रहा था। वो अपनी शक्तियां समेट रहा है। जैसे जैसे उसकी रक्त तृष्णा बढ़ेगी उसके नरसंहार का तरीका भी परिवर्तित होगा। अभी तक उसने चौपाए पशुओं और रात को मरघट में उपस्थित एक मनुष्य की ही हत्या की है। कोई आश्चर्य नहीं कि अपनी तृष्णा मिटाने के लिए राज्य में आना आरंभ कर दे। लोगों के बाहर निकलने की प्रतीक्षा न करके उनके घरों में प्रवेश करके उनकी हत्या करने लगे। एदो मानव का सामूहिक वध भी करे तो इसे उस पिशाच की भयावहता के अनुसार कमी कहा जाएगा। हे भगवती, भयावह प्रारब्ध की कल्पना से वहां उपस्थित लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या जिस रक्तपात को टालने के लिए हमने अभिनंद को राज के इतिहास के सबसे भयानक दंड दिया वो वही रक्तपात अब भी होगा? निसंदेह ऐसा ही होगा। रक्तपात को टालने का अर्थ कोई भी मार्ग शेष नहीं है सिवाय सजग रहने के। राज्य के प्रत्येक नागरिक को मृत्यु से अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। सैन्य सुरक्षा बढ़ानी होगी। नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ नए मापदंड बढ़ाने होंगे। उन्हें हिदायत देनी होगी कि वे समूह में रहने का प्रयत्न करें, रात को अकेले भ्रमण न करें और न ही किसी अपरिचित दस्तक पर घर के द्वार खोले। किंतु इस प्रकार भय के तले कितने दिनों तक जीवन यापन किया जा सकता है? जितने दिनों तक विधाता ने हमारे भाग्य में लिखा होगा। जब तक हम अभिनंद के समन का कोई विकल्प नहीं तलाश लेते तब तक कुछ इसी तरह की जीवन शैली अपनानी होगी। कहने के बाद कुलगुरु महाराज की ओर मुड़े। सैनिकों की एक टुकड़ी को अभिनंद की तलाश में वन में भेज दीजिए सेनापति जी। किंतु उससे क्या होगा? दिन के समय तामसिक शक्ति छिन रहती है। हालांकि इसकी संभावना कम ही है किंतु अगर अभिनंद नजर आया तो उसे बंधक बनाना सहज होगा। वहां उपस्थित सैनिक आतंकित नजर आने लगे। क्या किसी पैशाचिक प्राणी को बंधक बनाना इतना सरल होगा कुलगुरु? सेनापति ने आशंकित लहजे में पूछा। सरल तो अब कुछ भी नहीं रहा सेनापति, कुलगुरु ने ठंडी आह भरकर पराजित स्वर में कहा। उनके भाव इंगित कर रहे थे कि किसी निर्णय के परिणाम को लेकर वे स्वयं भी आश्वस्त नहीं थे। देवी मंदिर हेतु प्रस्थान का समय हो चुका है। माया ने कक्ष में आई हुई उस दासी को फटकारते हुए कहा जो अपराधी भाव से गर्दन नीचे झुकाई हुई थी। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि द्रिज को एक क्षण का भी विलंब स्वीकार्य नहीं? क्षमा करें राजकुमारी, दासी ने गर्दन झुकाए हुए ही उत्तर दिया। महाराज का आदेश है कि आप राजमहल से बाहर ना निकले। ओह, माया ने एक गहरी सांस ली। अब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे कक्ष के बाहर अचानक सैनिकों की संख्या क्यों बढ़ा दी गई है। किंतु मुझ पर लगे इस प्रतिबंध का कारण क्या आपको कारण नहीं ज्ञात है राजकुमारी जी? दासी ने माया की ओर देखा फिर स्वतः ही उत्तर दिया। वो दुष्ट कपालिक जिसने आपके साथ दुर्व्यवहार किया था वो वापस लौट आया है।
माया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बीती रात का स्वप्न याद करके ही वो सहम गई, किंतु उसके होठों से अस्फुट सा स्वर निकला। किंतु ऐसा हुआ कैसे, उसे तो जीवित जला दिया गया था ना। तेज बारिश आ जाने के कारण लोगों से आग के हवाले करके लौट आए थे। कुलगुरु ने संभावना व्यक्त की है कि लोगों के लौट आने के बाद वहाँ कपालिक आए होंगे और उसे लेकर चले गए होंगे। कुलगुरु ने पूर्व में ही चेतावनी दे रखी थी कि यदि अभ्यानंद का शरीर 3 दिनों के अंदर समाप्त नहीं किया गया तो उसमें शमशानेश्वर पूर्णतया प्रवेश कर जाएगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि वे कपालिक अभ्यानंद के शरीर को अपने साथ इसलिए ले गए क्योंकि वे चाहते थे कि शमशानेश्वर उस शरीर में प्रविष्ट हो। माया के चेहरे पर दहशत की छाया मंडराई और उनकी चाहत पूरी भी हो गई है। और ऐसा होने के पश्चात सबसे बड़ी असुरक्षा आप पर ही मंडरा रही है राजकुमारी। वो आपको अपनी वासना का शिकार बनाने के लिए ही लौटा है। हे देवी माँ, माया ने शुष्क हो चुके गले को तर किया, अब क्या होगा? कुलगुरु ने भी अभी कोई उपाय नहीं बताया है सिवाय कुछ सुरक्षा निर्देशों के। उन्हीं निर्देशों में से एक निर्देश ये भी है कि आपको राजमहल से बाहर न निकलने दिया जाए। संपूर्ण राज्य में आतंकी लहर है, लोग दिन के उजाले में भी एक कदम तक चलने में डर रहे। ऐसा लग रहा है कि पूरा शंकरगढ़ ही वीरान हो गया है। माया के चेहरे की उलझने क्षण प्रति क्षण गहराती चली गई। द्रिज कहाँ है? लंबी खामोशी के बाद उसने पूछा। अस्पष्ट तो नहीं ज्ञात राजकुमारी, किंतु राज्य में खबर है कि देवी मंदिर छोड़कर चले गए हैं। क्या? ये माया के लिए चौंकने का दूसरा अवसर था। किंतु क्यों, वे देवी मंदिर छोड़कर क्यों चले गए? इसका कारण तो मंदिर के पुजारी ही बता सकते हैं राजकुमारी। माया के चेहरे पर दहशत और उलझन का मिला जुला प्रभाव और भी गहरा हो गया। द्रिज की हालत बदरंग हो चुकी थी। दाढ़ी के बाल सामान्य से अधिक लंबे हो गए थे। उसके पैरों की दशा, मुखमंडल की मलिनता अस्त व्यस्त और गंदे कपड़े दर्शा रहे थे कि वो लंबी पदयात्रा करके उस दुर्गम पहाड़ी प्रदेश में पहुंचा था जहां दूर तक गगनचुंबी पर्वतों और उसकी तलहटी में बसे जंगलों के सिवाय और कुछ नहीं नजर आ रहा था। उसने कंधे से एक झोला लटका रखा था। उसकी दशा ऐसी थी जैसे कोई भिक्षुक विछाटन हेतु निकला हो। वो एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर तलहटी में फैले जंगल को देख रहा था। दिन प्रहर भर चढ़ चुका था। दिवाकर की रश्मियों का ताप अब असहनीय होने लगा था। उसने गर्दन घुमाकर चारों दिशाओं का अवलोकन किया। वो प्रदेश जनशून्य था। दूर दूर तक केवल पहाड़ और जंगल थे। किसी विशेष चिन्ह की तलाश में थिरकती द्रिज की निगाहें एक दिशा में ठहर गई। दूर तलहटी में एक नदी बह रही थी। सूर्य के प्रकाश में चमकती नदी की अथाह जलराशि अस्पष्ट नजर आ रही थी। नदी के आसपास किसी जीर्ण शीर्ण मंदिर के होने का संकेत भी मिल रहा था, किंतु घने जंगल के कारण मंदिर की आकृति साफ नजर नहीं आ रही थी। द्रिज के चेहरे पर एकाएक चमक उभरी। उसने झोले में से एक नक्शा निकाला और तलहटी में नजर आ रही नदी के आसपास के क्षेत्रों को नक्शे से मिलाने लगा। संभवतः यही वो स्थान है। हर्ष तिरेक से उसका बदन थरथराया और मुखमंडल पर व्याप्त मलिनता का स्थान उत्साह ने ले लिया। उसने नक्शे को झोले में रखा और जल्दी जल्दी पहाड़ के ढलान पर उतरने लगा। हालांकि अभीष्ट नदी पहाड़ की चोटी से नज़दीक जान पड़ी थी, लेकिन द्रिज को उस तक पहुंचने में 2 घंटे लग गए। नदी के तट तक पहुंचते पहुंचते उसका उत्साह ठंडा पड़ चुका था, जिसमें पसीने से तर हो गया था और गला सूखने लगा था, लेकिन गंतव्य मिल जाने की खुशी ने 2 घंटे की दुर्गम पदयात्रा की थकान को छीन कर दिया था। उसने झोले को कंधे से उतार कर चट्टान पर रखा और नदी की गहरी जलधारा में खड़ा होकर उसकी शीतलता से तृप्त होने लगा। प्यास बुझाने और हाथ मुंह धोने के बाद उसने नदी के दूसरे किनारे की ओर देखा। नदी उस पार तिरजन और भयानक शमशान भूमि थी, जिसकी काली पड़ चुकी जमीन और वहां मौजूद अनुष्ठान के अनगिनत चिन्ह इंगित कर रहे थे कि उस शमशान भूमि की उपयुक्तता तंत्र साधना के लिए थी। वातावरण शांत था, वहां पंछियों का कलरव भी नहीं था। उस निस्तब्धता के बीच जल प्रवाह की कलकल ध्वनि परिवेश में सुरीली संगीत बनकर गूंज रही थी। शमशान की भांति ही निर्जन दिखाई पड़ रहा वो जीर्ण शीर्ण मंदिर मरघट के ठीक बीचों बीच में था।
जिसके झलक को द्रिज ने पहाड़ की चोटी से ही देख लिया था। द्रिज ने अपनी धोती घुटनों के ऊपर चढ़ाई और नदी में जगह जगह उभरे हुए चट्टानों का सहारा लेते हुए नदी पार करके दूसरे किनारे पर पहुंचा। नक्शे के आधार पर वो पहले ही ये तय कर चुका था कि यही उसका गंतव्य है, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट या डर के वो मंदिर की ओर बढ़ गया। मंदिर के गर्भगृह में एक भयावह प्रतिमा स्थापित थी जो तंत्र की किसी अधिशात्री देवी की प्रतीत होती थी। प्रतिमा में कमल के फूल पर मैथुनरत कामदेव और रति पर देवी दोनों पांव रखकर खड़ी थी। उनके बाएं हाथ में कटार थी और दाएं हाथ में स्वयं उनका ही कटा हुआ शीश था। उनके कंधे पर एगोफतीत और गले में नरमुंडों की माला थी। देवी के कटे हुए कंबन से रक्त की तीन धाराएं छूट रही थी, जिनमें से दो उनके दाएं बाएं निर्वस्त्र खड़ी दो अग्नियों के मुख में प्रवेश कर रही थी और तीसरी धारा स्वयं देवी के कटे हुए शिश के मुख में प्रवेश कर रही थी। प्रतिमा की भयावहता इस कदर चरम पर थी कि उसे देखने के बाद साधारण प्राणी उस दुर्गम प्रदेश के बिहवान शमशान में रुकने का साहस नहीं कर सकता था। शरणागत की रक्षा करो देवी, छिन्नमस्ता रक्षा करो, द्रिज प्रतिमा के सम्मुख अस्पष्ट लेट गया। आप तंत्र की 10 महाविद्याओं में पंचम स्थान पर अवस्थित हो, जगत में तमोगुण का आधिक्य होने पर आपका अविवार्य होता है। आप तामसिक हो, तम को स्वयं में समाविष्ट करके जगत का उद्धार करने वाली हो, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। तामसिक साधनाएं पाकर अवतरित हो उठे शमशानेश्वर की शक्तियों को अब केवल आपकी तामसिक शक्तियां ही परास्त कर सकती है देवी। द्रिज भाव विवोर होकर तब तक गिड़गिड़ाता रहा जब तक मंदिर के बाहर से उसे कर्कश स्वर नहीं सुनाई पड़ा। कौन है रे, देवी के सम्मुख जाने का दुस्साहस कैसे हुआ तेरा? रोमांच से द्रिज के रोंगटे खड़े हो गए, उसके होठों से शब्दों का प्रवाह थम गया। अघोर नाथ आ गए, उसने घबराकर आंखें बंद कर ली और मन ही मन छिन्न मस्ता के स्वरूप का ध्यान किया। प्रचंड चंडिका उवक्षे स्वरकाम फल प्रदाम वेश्मा स्मरण मंत्रेण सदाशिवो भवनेत्र। द्रिज अपने स्थान से बगैर हिले मस्तक को धरातल से टिकाए हुए ध्यान श्लोक गुनगुनाता रहा। कर्कश आवाज दोबारा नहीं गूंजी बल्कि केवल लाठी टेकने का स्वर सुनाई दिया। द्रिज ने अनुमान लगाया कि आगंतुक लाठी टेकते हुए उसी की ओर आ रहा था। उसकी सांसें तेज हुई, उसने जल्दी जल्दी श्लोक का उच्चारण पूर्ण किया और सांस रोककर अगली प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। लाठी की आखिरी ठक उसके पैरों के पास आकर थम गई, उसने पलके भींच ली और देवी के रौद्र रूप का ध्यान करने लगा। उठ, आगंतुक ने सख्त स्वर में आदेश दिया। द्रिज पूर्वतः पड़ा रहा। उठ, इस बार आगंतुक का लहजा क्रोध से भरा हुआ था। नहीं, द्रिज ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया। यदि मैं देवी के चरणों में से उठा तो इस गोपनीय तंत्र पीठ पर आने के अपराध में आप अपना सूल मेरी छाती में उतार देंगे। आप देवी के चरणों में पड़े भक्तों की हत्या नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। मैं मृत्यु का वरण नहीं करना चाहता। तो कोई कपटी प्राणी ज्ञात होता है कौन है और यहाँ क्यों आया है? मुसीबत का मारा हूँ प्रभु, आपका कृपा फल प्राप्त करने आया हूँ। कई क्षणों तक अघोरनाथ की वाणी नहीं सुनाई पड़ने पर द्रिज आगे कुछ बोलने ही वाला था कि उसने पहले अघोरनाथ की आवाज आई। इस महागोपनीय तंत्र पीठ का पता किसने दिया तुझे? जिस तामसिक बाधा से मैं और मेरा राज्य पीड़ित है, उसके निवारण के लिए मैं दर पदर भटकता हुआ काशी स्थित नागा साधुओं के सबसे प्राचीन अखाड़े आह्वान अखाड़ा पहुंचा था। मेरी बाधा की तामसिक प्रवृत्ति से आहत होकर अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी स्वरूपानंद ने मुझे यहाँ का पता बताया। स्वयं उन्होंने अपने हाथों से मुझे यहाँ आने के मार्ग का नक्शा बनाकर भी दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरी तामसिक बाधा को वही साधक हर सकता है जिसने तंत्र की पंचम महाविद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ छिन्नमस्ता को सिद्ध किया हुआ। द्रिज को एक बार फिर अघोरनाथ की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं सुनाई दी। स्वामी स्वरूपानंद ने मुझे ये भी बताया था कि अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करने के लोभ में इस गोपनीय तंत्र पीठ पर आने वाले कपटी मनुष्यों को देखते ही आप उनका वध कर देते हैं।
और अमावस्या की मध्य रात्रि को उनके शव पर शव साधना करते हैं। आपके इस कोप से बचने के लिए उन्होंने मुझे ये युक्ति बताई थी कि यदि मैं माता के सम्मुख दंडवत जाऊंगा तो उस दशा में आप मुझ पर प्रहार नहीं करेंगे। किस तामसिक बाधा की बात कर रहा है तू? सर्वप्रथम मुझे अभयदान दीजिए प्रभु, अन्यथा मैं देवी के चरणों में मस्तक पटक पटक कर अपना प्राण त्याग दूंगा। उठ जा। नहीं, बिना वचन लिए मैं नहीं उठूंगा। एक साधक पर संदेह प्रकट करता है मूर्ख, अघोरनाथ इस बार तेज स्वर में चीखे। आप तो काल की गति के ज्ञाता है प्रभु, क्या आपको मेरी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही? इस तंत्रपीठ पर आकर मैं जो हट कर रहा हूँ उसके दंड स्वरूप क्या ये संभव नहीं है कि यदि मैं बिना अभयदान लिए उठा तो आप मेरा वध कर देंगे? कुशल तर्कशास्त्री प्रतीत होता है तू। अघोरनाथ का स्वर आश्चर्यजनक ढंग से नरम पड़ गया। निर्भय हो जा, हम तेरा वध नहीं करेंगे। यदि तेरे कर्म सात्विक हुए तो महामाया की प्रेरणा से अवश्य तेरी सहायता करेंगे। द्रिज की मुराद पूरी हो गई। उसने सद्भाव से अभिभूत होकर छिन्नमस्ता का आभार प्रकट किया और अहिंसापूर्वक अपने स्थान से उठा, अघोरनाथ की ओर पलटा। द्रिज को लगा कि अकस्मात ही शिव से उसका साक्षात्कार हो गया है। वो अपने जीवन में पहली बार किसी सिद्ध पुरुष से रूबरू हो रहा था। अघोरनाथ के सुडौल जिस्म पर किसी शव की ताजी राख का लेप था। कमर में एक मृग चर्म के अतिरिक्त बदन पर रेशम का एक धागा तक नहीं था। माथे पर त्रिपुंड और गले तथा कलाइयों में दुर्लभ रुद्राक्ष की मालाएं थी। आंखें उदयमान सूर्य की भांति रक्त वर्ण थी, जिनसे असहनीय चमक प्रस्फुरित हो रही थी। उसने दाहिने हाथ में उनके पद के आकार का त्रिशूल था। सिर पर एक व्यस्क मनुष्य की भुजाओं की आंधी ऊंचाई वाला घाना जुड़ा था, जिसमें जगड़ी लटे भुजंग के समान नजर आ रही थी। द्रिज उनके पैरों से लिपट गया। आपको वचनबद्ध करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं प्रभु, किंतु आपका कोपाभाजन बनने से बचने का मेरे पास यही एकमात्र मार्ग था। व्यथा क्या है तेरी? शमशानेश्वर को काया प्राप्त हो गई है, द्रिज ने बताने में लेस मात्र भी विलंब नहीं किया, क्योंकि स्वरूपानंद उसे सख्त हिदायत दी थी। यदि अघोरनाथ समस्या के विषय में पूछे तो उन्हें बिना कोई भूमिका बांधे बता देना। स्वरूपानंद के अनुसार कोई सिद्ध पुरुष सामने वाले किसी छिपे हुए अवगुण को देखकर कब उसकी सहायता से इनकार कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। अघोरनाथ ने चौंककर अपने कदम में पड़े द्रिज को देखा। ये सत्य है प्रभु, शमशान भूमि में विचरने वाले एक महापिशाच की आत्मा काया ग्रहण करके अवतरित हो उठी है। अघोरनाथ के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे, द्रिज के उनके चेहरे पर भय की छाया भी नजर आ रही थी। रक्षा कीजिए प्रभु, अघोरनाथ ने द्रिज की पकड़ से अपने पैरे को छुड़ावा और मंदिर से बाहर आ गए। द्रिज भी उनके पीछे पीछे बाहर आया। कैसे हुआ ऐसा? लंबी खामोशी के बाद जब अघोरनाथ को महसूस हो गया कि द्रिज का कहना सही है तो उन्होंने मुंह खोला। शमशानेश्वर तो मरघट की सर्वोच्च पैशाचिक शक्ति है, एक ऊक मानव है। ब्रह्म राक्षस योनि का कष्ट भोगने से बचने के लिए दुराचारी ब्राह्मण उसकी साधना करके उसे अपनी काया में आमंत्रित करते हैं, अपनी आत्मा का उसके साथ सौदा करते हैं, उसके साम्राज्य में शरण पाने के मूल्य पर उसे अपनी शरीर सौंपते हैं। तेरे राज्य में किसने उसकी भयानक साधना की? किस मूर्ख ने उसे अपने शरीर सौंपा? द्रिज ने सविस्तार बता दिया। पाप तो तूने किया है द्रिज, एक ऐसा पाप किया है तूने जिसका प्रतिफल आज पूरा संकरगढ़ भुगत रहा है। यदि तूने अभयानंद के शरीर का दाह संस्कार कर दिया होता तो शमशानेश्वर अवतरित ही ना हो पाता। किसी स्थान पर शमशानेश्वर के अवतरण का तात्पर्य होता है उस स्थान का विनाश। उस स्थान को देवता छोड़कर चले जाते हैं और फिर वहां पर किए जाने वाले किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का कोई फल नहीं प्राप्त होता। कोई भी तांत्रिक उस पिशाच से मनुष्य को मुक्ति नहीं दिला पाता, किंतु आप तो तांत्रिकों से भी ऊपर एक सिद्ध पुरुष है। आपने मानव के कल्याणार्थ ही तंत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया है, क्या आप भी मुझे मेरे पाप के प्रायश्चित का मार्ग नहीं सुझा सकते? तूने जो पाप किया है वो तमोगुण के प्रभाव में आकर नहीं किया है, उस सब पाप के पीछे तेरा कोई स्वार्थ ना होकर केवल मातृ प्रेम ही था।
इसलिए तेरे कर्म तुझे प्रायश्चित का एक अवसर अवश्य देंगे। अर्थात सुखद आश्चर्य से द्रिज का लहजा कपकपाया, अर्थात उस पिशाच से मुक्ति पाने का अभी भी कोई विकल्प शेष है प्रभु? मार्ग तो अवश्य है किंतु विकट है, प्राणों का घोर संकट है, तथापि कार्य के सिद्ध होने की संभावना तुच्छ है। आप मार्ग बताएं प्रभु, मैं नगण्य संभावना वाले मार्ग पर भी चलने को तैयार हूँ। मैं अपनी संकल्प और इच्छा शक्ति से कार्य सिद्धि की उस नगण्य संभावना से भी सफलता को खींच लाऊंगा। तेरे विचार अति उत्तम है। अघोरनाथ की आंखों में दृश्य के लिए प्रशंसात्मक भाव उभरे। तंत्र की शक्तियाँ संकल्प और इच्छा शक्ति से ही संचालित होती है। जितना दृढ़ संकल्प होता है उतनी ही प्रभावशाली तंत्र की शक्तियाँ होती है। आप राह बताए प्रभु, मैं अपना संकल्प छीन नहीं पड़ने दूंगा। अघोरनाथ ने कुछ नहीं कहा। विचार मग्न मुद्रा में चहलकदमी करते हुए वे नदी के तट तक आए। राह बताने से पूर्व हमें अनुमति लेनी होगी। उन्होंने नदी की विपुल जलराशि पर इस कदर दृष्टिपात करते हुए कहा जैसे जल की धारा में कुछ तलाश रहे हो। कैसे अनुमति प्रभु? आप भला किसे अनुमति लेनी होगी आपको? तंत्र के प्रयोग के नियमों के अंतर्गत एक नियम ये भी है कि किसी साधारण मनुष्य को अपनी सिद्धि का भौतिक लाभ प्रदान करने के लिए साधक को उस सिद्धि की अधिशास्त्री देवी से अनुमति लेनी होती है। ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में कहे गए कर्म सिद्धांत की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। संबंधित मनुष्य के कर्म सात्विक होने तथा उसे तंत्र का लाभ प्रदान करने पर उसके कर्मों के हिसाब में कोई व्यतिक्रम उत्पन्न न होने की दशा में ही अधिशास्त्री देवी उसके हित के लिए तंत्र के प्रयोग की अनुमति देती है। एक सच्चा तांत्रिक वही होता है जो तंत्र के नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करता है। द्रिज का कलेजा हलक में आ फंसा। यदि देवी ने आपको अनुमति नहीं दी तो तेरा प्रकरण सुनने के पश्चात इसकी संभावना बहुत कम है कि देवी तंत्र क्रिया की अनुमति नहीं देगी। शमशानेश्वर तेरी ही भूल के कारण अवस्थित में आया है, इसलिए देवी तुझे भूल सुधारने का अवसर अवश्य देंगी। आप देवी से अनुमति कब मांगेंगे? आज रात्रि अमावस्या है, देवी को जागृत करने के लिए उपयुक्त अवसर है। हम सौ साधना के माध्यम से आज ही देवी का आह्वान करेंगे। द्रिज ने राहत की सांस ली किंतु इसे पूर्व क्योंकि प्रतिक्रिया व्यक्त करता जल की लहरों पर ठहरी अघोरनाथ की निगाहें चमक उठी। वे द्रिज की ओर पलटे और नदी के दूसरे किनारे की ओर संकेत करते हुए बोले, उस पाट पर एक युवक का शव आ लगा है, उसे खींचकर हमारे पास ला। आज रात्रि की शव साधना में हम उसे ही उपयुक्त करेंगे। द्रिज ने नदी के दूसरे तट पर दृष्टिपात किया, उसे कहीं कोई शव नहीं दिखा। उसने चेहरे पर आश्चर्य लिए हुए अघोरनाथ की ओर देखा। शव किस पार ला? उन्होंने अपना आदेश दोहराया। द्रिज ने अघोरनाथ के कोप से डरकर कोई प्रश्न नहीं किया और नदी की जलधारा में उतर गया। वो एक बार फिर चट्टानों का सहारा लेकर उस पार पहुंचा। उसके हैरत की सीमा न रही, तट पर सचमुच एक युवक की लाश आ लगी थी जो चट्टान की आड़ में होने के कारण किनारे से नजर नहीं आई थी। युवक की अवस्था 20-22 वर्ष से अधिक नहीं थी। लाश को देखकर ये बताना कठिन था कि उसकी मृत्यु की वजह क्या थी। द्रिज ने अनुमान लगाया कि उसने आत्महत्या के धेय से गहरे पानी में छलांग लगाया होगा। लंबे वक्त तक पानी में रहने के कारण लाश घिनौनी हो गई थी। द्रिज ऐसी चीज़ों का अभ्यास नहीं था। उसने किसी तरह अपनी उफकाई रोकी और लाश के बाल पकड़कर उसे खींचते हुए किनारे तक ले आया। सर्प दंश से मृत्यु हुई है इसकी, अघोरनाथ ने शव का अवलोकन करते हुए कहा। परंपरा के अनुसार इसके शव का दाह कर्म न करके नदी में प्रवाहित कर दिया गया। साधु संतों, अत्यल्प वयस्क के बालकों अथवा सर्पदंश के शिकार हुए व्यक्तियों के शव को जलाने की बजाय नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। ऐसे शव को ही हम अपनी साधना में प्रयुक्त करते हैं। अब तू अपने स्थान को लौट जा। किंतु प्रभु, मन में बगैर कोई संशय रखे लौट जा। अघोरनाथ ने द्रिज की बात काट कर कहा, तेरे संकटगढ़ पहुंचने से पूर्व ही हम वहां पहुंच चुके होंगे। हम तुझे वहीं पर बताएंगे कि महापिशाच का सामना किस प्रकार किया जाएगा। क्या यह संभव नहीं है प्रभु कि मैं आपको साथ लेकर अपने राज्य को प्रस्थान करूं? नहीं, अघोरनाथ ने तीखे स्वर में कहा।
उसके लिए तुझे आज रात्रि इस शमशान भूमि में ठहरना होगा। ये तंत्र पीठ है और यहाँ अमावस्या की रात होने वाली मायावी तंत्र क्रियाओं को देख तू जैसे सामान्य मनुष्य भय से पागल हो जाते हैं। द्रिज आपसे मिलने के इच्छुक है महाराज। द्वारपाल का उपयुक्त संदेश सुनते ही मंत्रणा कक्ष में चल रहे महत्वपूर्ण विमर्श पर विराम लग गया। द्रिज महाराज के माथे पर बल पड़े अर्थात वे लौट आए। जी हाँ महाराज, उदयभान ने एक नज़र उपस्थित सभासदों पर डाली। प्रत्येक के चेहरे पर मंत्रणा से अधिक द्रिज के आगमन में दिलचस्पी देकर उन्होंने आदेश दिया, भेज दो उसे। द्वारपाल के जाने के थोड़ी देर बाद द्रिज ने मंत्रणा कक्ष में प्रवेश किया। उसे देखकर महाराज समेत सभी सभासद चौंके। सामने जो मनुष्य खड़ा था, यदि द्वारपाल ने पहले ही उसका परिचय द्रिज के रूप में नहीं दिया होता तो उसे कोई नहीं पहचान पाता। उनके दाढ़ी के बाल बढ़ने के साथ साथ सफासट सिर पर भी बाल उगाए थे। उसके कपड़े धूल से सन गए थे, नंगे और धूल दूषित पैरों से खून बहकर सूख गया था। आप कहाँ गए थे द्रिज? आपकी दशा इंगित कर रही है कि आप लगभग महीने भर की पदयात्रा से लौटे हैं। आपका अनुमान सत्य है महाराज। मेरी लंबी यात्रा का उद्देश्य उस भूल के प्रायश्चित का मार्ग तलाशना था जिसके कारण आज शंकरगढ़ की धरती लहूलुहान हो रही है। अस्पष्ट कहिए द्रिज। द्रिज ने विनम्र भाव से सभासदों की ओर देखा और एक कुशल याचक की भांति शालीनतापूर्वक बोला, आपसे एकांत का अनुरोध करना चाहता हूँ महाराज। आपके समस्त प्रश्नों के उत्तर मात्र आपके और कुलगुरु की उपस्थिति में ही देना चाहता हूँ। द्रिज का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। जब मंत्रणा कक्ष में केवल महाराज और कुलगुरु रह गए तो द्रिज ने मुँह खोला, मैं इस राज्य का अपराधी हूँ महाराज। पूरे प्रकरण को सुनने के बाद मेरे प्रति आपके मन में व्याप्त सम्मान रसातल को चला जाएगा और उसका स्थान घृणा ले लेगी। आप कहना क्या चाहते हैं द्रिज? कैसा अपराध किया है आपने? महाराज ने आशंकित लहजे में पूछा। द्रिज ने गहरी सांस ली और फिर उसी गाथा को यहाँ भी दोहरा दिया जिसे उसने अघोरनाथ के सम्मुख कहा था। द्रिज के अपराधों से अवगत होने के पश्चात महाराज और कुलगुरु ने अवश्य ही उसे घृणित स्वर में फटकारा होता यदि उन्होंने उसके मुखमंडल पर घोर पश्चाताप का भाव नहीं देखा होता। हमें तो स्वप्न में भी ये भान नहीं था कि अभयनंद नाम के उस दुष्ट कपाली के साथ आपका रक्त संबंध था। महाराज ने रोष से परिपूर्ण लहजे में कहा, हम आज तक इसी विश्वास से बंधे रहे कि अभिनंद को ले जाने वाले कपालिक थे, किंतु आज ज्ञात हुआ कि हमारा वो विश्वास मात्र एक मिथ्या भ्रम था। एक ऐसा मात्री प्रेम था द्रिज, जो आपने अभिनंद के शरीर में प्रवेश कर चुके पिशाच की भयावहता से अवगत होते हुए भी उसके शरीर को नष्ट होने से बचाने का प्रयत्न किया और संपूर्ण राज्य को एक पिशाच के सम्मुख भोज के रूप में प्रस्तुत कर दिया। क्या आपको सोचना है कि राज्य में हर रात एक महापिशाच मृत्यु बांटने आता है? उसके दूषित अस्तित्व के कारण राज्य के निर्धन किसानों की फसलें तक नष्ट हो चुकी है। द्रिज ने अपराधी भाव से गर्दन झुका लिया। वाद विवाद से अब कोई लाभ नहीं है राजन, कुलगुरु ने हस्तक्षेप किया। द्रिज ने थोड़े समय पूर्व ही कहा है कि अपने भूल के प्रायश्चित का मार्ग तलाश करने गए थे। हाँ महाराज, द्रिज ने उत्साहित होकर चेहरा ऊपर उठाया। जिस महापिशाच का प्रादुर्भाव होने पर देवता भी अपने निवास से पलायन कर जाए, जिस महापिशाच को वश में करने का उपाय दुर्लभ ग्रंथों में भी अंकित न हो, उस महापिशाच का अंत करने का मार्ग आखिरकार आपको कैसे प्राप्त होगा? मैं कामरूप के एक दुर्गम प्रांत में स्थित माँ छिन्नमास्ता के तंत्र पीठ पर गया था। क्या? कुलगुरु बुरी तरह चौंके, आप तंत्र पीठ पर गए थे? हाँ कुलगुरु, किंतु तंत्र पीठ तो अत्यंत गोपनीय होते, वहाँ पहुँचने का मार्ग किसने बताया आपको? पुजारी बाबा द्वारा लटा दे जाने पर जब मेरा मुंह भंग हुआ तो मुझे बोध हुआ कि मैं न केवल राज्य के विनाश की पटकथा लिख बैठा हूँ अपितु अपने बड़े भाई को भी अनंत काल तक के लिए शमशानेश्वर के नरक रूपी साम्राज्य में भटकने हेतु विवश कर चुका हूँ। अपने भूल के प्रायश्चित का मार्ग तलाशने के लिए मैं देशातन को निकल बढ़ा।
अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए मैं सनातन संस्कृति की राजधानी काशी जा पहुंचा। किसी सिद्धि तांत्रिक की तलाश मुझे नागा साधुओं के अखाड़े की ओर खींची ले गई। आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी स्वरूपानंद ने भी शमशनेश्वर के संदर्भ में असमर्थता जताई, किंतु उन्होंने मुझे कामरूप के एक दुर्गम और पर्वतीय प्रांत में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे भयाव शमशान तक जाने का नक्शा बना कर दिया, जो वास्तव में एक गोपनीय तंत्र पीठ है और जहाँ एक सिद्ध योगी अघोरनाथ निवास करते हैं। अघोरनाथ, कुलगुरु की नेत्र आश्चर्य से फैल गए। तो क्या आपको अघोरनाथ के दुर्लभ दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ? क्या आप उन्हें जानते हैं? द्रिज के कुछ बोलने से पूर्व ही महाराज ने कुलगुरु को लक्ष्य करके पूछा, वे छिन्नमस्ता के महासाधक हैं। द्रिज जिस तंत्र पीठ का वर्णन कर रहे हैं वही उनका निवास स्थान है। वह स्थान इतना गोपनीय, रहस्यमय और भयावह है कि यदि स्वामी स्वरूपानंद ने द्रिज को उस स्थान का नक्शा दिया होता तो द्रिज वहाँ कभी नहीं पहुँच पाते, और किसी तरह पहुँच भी जाते तो जीवित वापस नहीं लौट पाते। तंत्र समुदाय के साधक अघोरनाथ को शिव का रूप मानकर उन्हें अपने आदर्श की संज्ञा देते हैं। ये अवश्य ही द्रिज के पूर्व जन्म के पूर्ण कर्मों का अथवा सात्विक विचारों का प्रतिफल है जो उस तंत्र पीठ से जीवित लौट आए। पापी मनुष्य अथवा तंत्र के दुरुपयोग की कामना रखने वाले किसी साधक के सामने पड़ते ही अघोरनाथ उग्र होकर काल भैरव का रूप धारण करके उसका वध कर देते हैं। द्रिज के सत्साहस से अवगत होते ही महाराज के चेहरे पर छाए रोष के बादल अब धीरे धीरे छटने लगे। हम आपके साहस की प्रशंसा करते हैं द्रिज। नहीं महाराज, मैं जिस विकट संकट का निमित्त बना हूँ उसका अंत करने के लिए मात्र इतना ही साहस पर्याप्त नहीं है। मेरे साहस की असली परीक्षा तो अब होनी है। अघोरनाथ ने शमशनेश्वर के प्रकोप को शांत करने का क्या उपाय बताया द्रिज? कुलगुरु ने पूछा। उन्होंने कोई मार्ग बताए बिना ही मुझे लौट जाने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि वे स्वयं शंकरगढ़ आएंगे और उसी समय महापिशाच की शांति का उपाय बताएंगे। उन्होंने ये दावा भी किया था कि वे मुझसे पूर्व ही यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। ओह, तो क्या वे यहाँ आ चुके हैं? हाँ कुलगुरु, मैं स्वयं भी अचंभित रह गया जब देवी मंदिर पहुँचने पर मैंने पाया कि अघोरनाथ मुझसे पहले ही वहाँ पधार चुके हैं और पुजारी बाबा को अपना परिचय देकर उन्हें संपूर्ण प्रकरण से अवगत भी करा चुके हैं। इस क्षण कहाँ हैं वे? महाराज और कुलगुरु ने सम्मिलित स्वर में पूछा। दोनों के लहजे में रोमांच का पुट था। उन्होंने अभयानंद का निवास देखने की इच्छा प्रकट की थी, सो इस क्षण वे अभयानंद की कुटी में ही होंगे। मैं आप लोगों को उनके आगमन की सूचना देने के लिए ही आया था। महाराज ने करतल ध्वनि उत्पन्न करके एक दास को सभागार में बुलाया और आदेश दिया, हमारी सवारी तैयार की जाए। अघोरनाथ उस सैया का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहे थे जिस पर द्रिज ने अभिनंद को लिटाया था। उसके अजले शरीर से बहा हुआ तरल सैया पर सूख चुका था और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। अघोरनाथ उस सूखे हुए तरल के दायरे में आने वाले स्थान का निरीक्षण करके अभिनंद की कद काठी का आंकलन कर रहे थे। उनके मुखमंडल पर उतने ही शांत भाव थे जितने शांत भाव एक ध्यान मग्न योगी के मुखमंडल पर होते हैं। द्रिज, कुलगुरु और महाराज के आगमन की आहट महसूस करके भी उन्होंने उनकी दिशा में गर्दन नहीं घुमाई। पिशाच शक्तिशाली है, अघोरनाथ ने सूखे हुए तरल का अवलोकन करते हुए कहा। प्रतिशोध की भावना ने उसे भयानक बना दिया है। अभयानंद के अवचेतन मस्तिष्क में संचित वासनाएं शमशनेश्वर के सूक्ष्म शरीर की शक्ति प्राप्त करके प्रचंड रूप से भड़क उठी है। उस वासनाओं की पूर्ति के लिए शमशनेश्वर क्रूरता की बड़ी से बड़ी सीमाएं भी लांग जाएगा। किंतु प्रभु, 15 दिन से राज्य में जो नरसंहार हो रहा है उस रुकने का कोई तो मार्ग होगा। संसार में पिशाच के साथ साथ ईश्वर का भी तो अस्तित्व है। महाराज का विनम्र स्वर कानों में टकराते ही अघोरनाथ उनकी ओर मुड़े। कई क्षणों तक उनके मुखमंडल के निरखने के पश्चात उन्होंने मुंह खोला, है उपाय है, यदि उपाय न होता तो हम सहस्त्र कोष की यात्रा करके यहाँ आते ही क्यों? सुखद रोमांच से अभिभूत होकर तीनों ने राहत की सांस ली। किंतु अघोरनाथ ने द्रिज पर निगाह डाली।
हम द्रिज को तंत्र पीठ पर ही इस कटु सत्य से अवगत करा चुके हैं कि उपाय प्राणघातक है। सफलता की प्रायिकता शून्य नहीं है तो शून्य से बहुत अधिक भी नहीं है। मैं भी आपको संपूर्ण स्थिति से अवगत करा चुका हूँ प्रभु, द्रिज ने अधीर लहजे में कहा। आप केवल उपाय बताएं। मैंने जो भूल की है वो भूल विनाश का बादल बनकर शंकरगढ़ पर कहर बरसा रहा है। जिस राज्य ने मुझे एक अनाथ के रूप में अपने दामन में आश्रय दिया, उस राज्य पर मेरे कारण आए संकट को टालने में यदि मेरे प्राण भी चले जाए तो भी मैं अब तक काल के गाल में समा चुके नागरिकों की हत्या के पाप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। अगरनाथ ने गहरी सांस ली और सैया पर बनी अभिनंद की अनुकृति पर दृष्टिपात करने के बाद कहना आरंभ किया। जो मनुष्य शमशानेश्वर को अपनी काया में आमंत्रित करता है वो मनुष्य सर्वप्रथम उस काया से शमशानेश्वर का निष्कासन कराता है जिसमें उसका वर्तमान निवास होता है। एक क्रिया काया संयुग्म के माध्यम से पूर्ण की जाती है जिसके लिए एक व्यस्क नरबलि की आवश्यकता होती है। नरबलि हेतु चयनित मनुष्य की काया को शमशानेश्वर के पूर्ववर्ती धारक की काया के साथ संयुक्ति कराया जाता है। दो शरीरों के संयुग्म का अर्थ होता है कि दोनों शरीर भौतिक रूप से पृथक होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। सरल अर्थों में केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि दो शरीर एक प्राण हो जाते हैं। इसके पश्चात चरित मनुष्य की बलि चढ़ा दी जाती है। उस मनुष्य की मृत्यु होती है, शमशानेश्वर के धारक की भी मृत्यु हो जाती है और उसी क्षण शमशानेश्वर अपनी पूर्ववर्ती धारक का शरीर छोड़कर नए धारक के शरीर की ओर आकर्षित हो जाता है और 3 दिवसों की प्रक्रिया के पश्चात वो नए धारक के शरीर में पूर्णतया आविष्ट हो जाता है। किंतु इस प्रक्रिया में काया संयुग्न अथवा नरबलि की क्या हो सकता है? क्या शमशानेश्वर स्वयं अपनी शक्तियों के बल पर पूर्ववर्ती धारक से नवीन धारक में स्थानांतरित नहीं हो सकता? कुलगुरु ने पूछा। नहीं, शमशानेश्वर अपने वर्तमान धारक की काया से तब तक निष्कासित नहीं होगा जब तक कि उस काया को नष्ट न कर दिया जाए। विघ्न के लिए क्षमा चाहता हूँ प्रभु, कुलगुरु ने हस्तक्षेप किया, किंतु पूर्ववर्ती धारक के शरीर को नष्ट करना क्यों आवश्यक होता है? शमशानेश्वर एक दूषित आत्मा है। जब वो पिछले धारक के शरीर में लंबी अवधि तक निवास कर लेता है तो आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति के फलस्वरूप उसे उस शरीर से मोह हो जाता है। नए धारक के शरीर में प्रविष्ट कराने से पूर्व शमशानेश्वर के उस मोह को भंग करना आवश्यक होता है और ऐसा पुराने धारक के शरीर को नष्ट करके ही किया जा सकता है। पूर्ववर्ती धारा के शरीर को नष्ट करने की ये क्रिया काया संयुग्न के माध्यम से क्यों पूर्ण की जाती है? पूर्ववर्ती धारा के शरीर को प्रत्यक्ष क्यों नहीं नष्ट कर दिया जाता? यदि तुम्हें तुम्हारी या तुम्हारे किसी प्रिय की काया नष्ट करनी आवश्यक हो जाए तो क्या ये कार्य तुम्हारे लिए सहज होगा? द्रिज के प्रश्न पर अघोरनाथ ने उसे इस कदर घूरा मानो उसका प्रश्न मूर्खतापूर्ण हो। वो झेप गया, उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। थोड़ा बहुत जो संशय था उसे अघोरनाथ के अगले स्पष्टीकरण ने दूर कर दिया। जो मनुष्य नरबलि हेतु उद्दिष्ट होता है उसे काया संयुग्म के द्वारा माध्यम बनाया जाता है ताकि शमशानेश्वर के वर्तमान धारा को होने वाला मृत्यु का भीषण कष्ट उसके साथ युग्मित शरीर में स्थानांतरित हो जाए। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि बिरजू ही वो व्यक्ति था जिसे शमशानेश्वर के पूर्व धारक अघोरा के साथ युग्मित करके उसकी बलि चढ़ाई थी ताकि अघोरा को मौत के कष्ट की अनुभूति न होने पाए। हाँ दिव्यपाणी, अघोरनाथ कुलगुरु की ओर मुखातिब हुए। उनकी आंखों में दिव्यपाणी के लिए प्रशंसा के भाव थे। तुमने कुलगुरु होने के कर्तव्य का कुशलतापूर्वक पालन किया था और राजा को अभिनंद का शरीर नष्ट करने का सर्वथा उचित परामर्श दिया था। ये विधि का विधान ही था जो तुम्हारा परामर्श अपेक्षित परिणाम देने में विफल रहा। अब उस विफलता के परिणाम से कैसे बचा जा सकता है प्रभु? अघोरनाथ के चेहरे पर एक बार फिर गंभीर भाव व्याप्त हो गए। थोड़ी देर के मनन के बाद उन्होंने कहा, उपाय यही है कि जो तब नहीं किया गया वो अब किया जाए, अर्थात महाराज कुलगुरु और द्रिज का समेत स्वर, अर्थात अभिनंद के शरीर को नष्ट कर दिया जाए। किंतु ये तो असंभव है, द्रिज की लहजा थरथराया। वो तो मृत्यु का देवता बन चुका है, आप जो करने का परामर्श दे रहे हैं उसे कोई उपाय नहीं माना जा सकता है। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे एक अजीय पिशाच का सामना करके उसे पराजित करने के लिए कहा जा रहा हो,
हर रात दक्षिण के जंगल के जंगलों से आने वाली भेड़िए मानव की गर्जना सुन जिस राज्य में मातम की लहर डर जाती हो, और आज उस भेड़िया मानव का प्रत्यक्ष सामना कैसे कर सकेगा। धैर्यहीन मत बनो द्रिज। द्रिज की विकलता देकर अघोरनाथ मुस्कुराए। यदि तुम्हें पिशाच का प्रत्यक्ष सामना करने का परामर्श देना ही एकमात्र विकल्प होता तो हम स्वयं यहाँ क्यों आते। तो क्या पिशाच के शरीर को नष्ट? हाँ, अघोरनाथ द्रिज का कथन पूर्ण होने से पूर्व ही बोले। एक सहज युक्ति है हमारे पास। अघोरनाथ ने सैया पर दृष्टिपात करते हुए आगे कहा, जिस काया संयुग्न के माध्यम से शमशनेश्वर ने नवीन काया आर्जित की है, वही काया संयुग्न उसके उस नवीन काया के नाश का कारण बनेगा। हम 100% अभिनंद के समरूप आटे के एक पुतले का निर्माण करेंगे जो पूर्णतया उसी की कदकाठी का होगा। काया संयुग्न प्रक्रिया के तहत उस पुतले का संबंध अभिनंद से स्थापित करने के पश्चात हम उस पुतले का दाह संस्कार कर देंगे। पुतले की दाह की प्रक्रिया पूर्ण होते ही अभिनंद की पैशाचिक काया भी भस्म हो जाएगी। उपाय सुनने के पश्चात भी तीनों में से कोई कुछ नहीं बोल सका। तीनों में से किसी को भी ये विश्वास नहीं हो सका था कि जिस कार्य को अघोरनाथ ने लगभग असंभव बताया था वो कार्य इतनी सरलतापूर्वक किया जा सकता है। अघोरनाथ उन तीनों की द्विविधा भाव गए। ये प्रक्रिया उतनी सहज नहीं है जितनी तुम लोग अनुमान लगा रहे हो। अभिनंद को जीव ही ये ज्ञात होगा कि उसकी काया को उसके समरूप आटे के पुतले के साथ संयुक्त किया जा रहा है, तभी उसका क्रोध भड़क उठेगा। तुम लोग ये अनुमान लगा सकते हो कि उसके क्रोध का सामना करते हुए उसके पुतले का दाह संस्कार करना कितना कठिन कार्य होने वाला है। झोपड़ी में निस्तब्धता छा गई। शमशनेश्वर के क्रोध का सामना करने की रणनीति तुम लोगों को स्वयं बनानी होगी। अघोरनाथ का कथन सुन द्रिज की तंद्रा भंग हुई। उसने कहा, क्या आप उस पिशाच का सामना करने के लिए हमें कोई सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते? हम तुम्हें एक सुरक्षा चिन्ह अवश्य प्रदान कर सकते हैं। अघोरनाथ ने अपने गले से लटके धातु के स्वास्तिक चिन्ह को निकाला और उसे द्रिज को सौंपते हुए कहा, यद्यपि ये पवित्र स्वास्तिक चिन्ह इस अभियान में तुम्हारी रक्षा करेगा, किंतु इसे अभी सिद्ध नहीं किया गया, इसलिए इसमें अभी अलौकिक शक्तियां नहीं है। वे अलौकिक शक्तियां कैसे जागृत होगी प्रभु? उसके लिए तुम्हें देवी छिन्नमस्ता की एक दिवसीय साधना करनी होगी। ही हूँ ए ऊ वजय रोनिये फट स्वाहा। देवी के इस चतुर्थासर मंत्र का 10,00,000 बार जाप करने के उपरांत तुम्हें स्वास्तिक को हवनी की अग्नि में अरक तप्त करके अपनी कलाई से स्पर्श कराना होगा। चूंकि स्वास्तिक रक्त स्वत होने कारण अत्यंत उष्ण होगा, इस कारण वो तुम्हारी कलाई से स्पर्श करते ही जले के निशान के रूप में अपनी छाप छोड़ देगा। इस प्रकार तुम्हारी दाहिनी कलाई पर अंकित हुआ स्वास्तिक ही तुम्हारा सुरक्षा चिन्ह होगा, जिसे धारण करने के पश्चात शमशनेश्वर तुम्हें स्पर्श तक नहीं कर पाएगा। उसके सम्मुख आते ही तुम्हारा ये सुरक्षा चिन्ह आश्चर्यजनक ढंग से प्रदीप्त हो उठेगा। द्रिज ने स्वास्तिक को श्रद्धापूर्वक माथे से लगाया। पिशाच का भयावह रूप देकर तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाने लगे तो तुम आत्मज्ञान का मार्ग पकड़ लेना। गीता के संख्ययोग का कोई भी श्लोक इसमें तुम्हारी सहायता कर सकता है, क्योंकि संपूर्ण अध्याय में वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह का हनन करने के लिए आत्मा की अविनाशी प्रकृति का ही वर्णन किया है। अभ्यनंद के पुतले के दाह संस्कार की क्रिया मैं अवश्य संपन्न कराऊंगा, किंतु उसे एक निश्चित समय तक रोकने का दायित्व तुम्हें ही स्वीकार करना होगा। मैं सहर्ष प्रस्तुत हूँ। मैं अपने प्राणों का मूल्य चुकाकर भी पिशाच का मार्ग रोक कर रखूंगा। अघोरनाथ महाराज की ओर मुड़े, तुम राज्य के सैनिक को आदेश दे दो कि वे दक्षिण के जंगल में कूच कर जाए और समस्त नराधम कपालिकाओं का निर्माता से वध कर दे, ताकि वे भविष्य में फिर कभी तंत्र जैसे विलक्षण एवं अद्भुत ज्ञान को अलंकित अद्भुत ज्ञान को कलंकित न कर सके। महाराज के नेत्र भय से विस्फारित हुए ही थे कि अघोरनाथ पुनः बोल पड़े, निर्भय रहो, जब तक हम इस राज्य में हैं महापिशाच दिन के प्रकाश में किसी पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। जो आज्ञा प्रभु। अभिनंद के पुतले के निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाए। द्रिज की साधना पूर्ण होते ही हम अपने अभियान का आरम्भ करेंगे। अंतिम आदेश देने के बाद अघोरनाथ झोपड़ी से बाहर निकल गए।
द्रिज आप यहाँ? माया द्रिज को अपने कक्ष में पाकर बुरी तरह चौंकी। हाँ, द्रिज ने भावहीन स्वर में उत्तर दिया। उसने कंधे से एक झोला लटका रखा था। कामरूप से लौटने के बाद वो पहली दफा माया से रूबरू हो रहा था। आप कहाँ चले गए थे? माया द्रिज से आलिंगनबद्ध होने को आतुर हुई, किंतु अगले क्षण भूल का एहसास होते ही उसके कदम उससे पर्याप्त फासले पर ठहर गए। आप उस भूल को सुधारने का मार्ग तलाशने गया था, जिसके कारण आज राज्य में एक रक्त पिपासु पिशाच का आतंक व्याप्त है। अपना गंतव्य और अस्पष्ट करे द्रिज, भेड़िया मानव के रूप में अभिनंद की वापसी आपके किस मूल का दुष्परिणाम है? द्रिज ने माया की ओर से दृष्टि फेर ली, जबकि माया गहन उत्कंठा के कारण रोमांचित हो उठी। आपने मौन क्यों धारण कर लिया? क्या तुम बिना किसी टिप्पणी के मेरी पूरी बात सुन सकोगी माया? माया की मुख सहमति पाकर द्रिज ने पूरा किस्सा सुना दिया। अभ्यानंद मेरे वही अपराज थे जिनके साथ मैंने त्रासदी वाली उस रात शंकरगढ़ की यात्रा की थी, जिस रात ऋण न चुकाए जा पाने की दशा में जागीरदार ने कई किसानों के घरों को आग की लपटों की भेंट चढ़ा दिया था। मेरा परिवार भी उनमें से एक था। कुछ भी शेष नहीं बचा था मेरे पास सिवाय अतिशय प्रेम करने वाले एक अग्रज के, किंतु ईश्वर ने उस अग्रज को भी उसी रात मुझसे अलग कर दिया था। किसी पाषाण प्रतिमा की भांति निश्चल खड़ी माया पूरा प्रकरण सुनने के बाद इस दुविधा से जूझने लगी कि द्रिज की करुण गाथा पर संवेदना प्रकट करे या फिर उसके मातृ प्रेम पर रोष। अंततः संवेदना रोष पर हावी हो गई। नियति ने आपके साथ आश्चर्यजनक खेल। माया ने सहानुभूति भरे लाजे में कुछ कहना चाहा, किंतु द्रिज ने उसे अवसर नहीं दिया। नहीं माया, इस क्षण मुझे तुम्हारी संवेदनाओं की नहीं अपितु किसी अन्य भाव की आवश्यकता है। अंतिम वाक्य बोलते समय द्रिज का लहजा लड़खड़ाया था, असहज हुआ था। माया चेहरे पर ना समझ भाव लिए हुए उसे देखने लगी, जबकि उसने कंधे से लटके झोले में से एक पत्रक निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। पत्रक को मोड़कर मौली धागे से बांधा गया था। इस क्षण माया को द्रिज के चेहरे पर वही असहजता नजर आ रही थी, जिसे उसने थोड़ी देर पहले उसके लहजे में महसूस की थी। माया ने कांपते हाथों से पत्रक थामा, मौली धागे को खोला और अगले क्षण उसकी दृष्टि के सम्मुख द्रिज के व्यक्तित्व का सर्वथा नवीन पहलू था। द्रिज एक विद्वान शिक्षक होने के साथ साथ प्रवीण चित्रकार भी था। ये रसोद्घाटन माया के लिए सुखद था, किंतु इससे भी सुखद थी वो अनुभूति जो द्रिज के बनाए हुए चित्र को देखकर उसे हुई थी। चित्र में स्वयं वो थी जो दाहिने गाल पर हाथ रखे हुए सरोवर में अपना प्रतिबिंब निहार रही थी। द्रिज ने अश्लीलता के दायरे में कदम रखे भी नहीं उसके शरीर के वक्रों का इस कदर रेखांकित किया था कि उसके कपोलों पर लज्जा की सुर्खी दौड़ गई। द्रिज की सांसें तीव्र हो उठी। इस क्षण उनके ही व्यग्र भाव से माया की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था, जिसने व्यग्र भाव से माया ये जानने की प्रतीक्षा किया करती थी कि उसके हल किए हुए प्रश्न सही है या नहीं। माया द्रिज से निगाहें न मिला सकी। उसने चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। तुमने दृष्टि क्यों फेर ली माया? जिस भाव से आपने चित्र बनाया वह भाव किसी भी स्त्री को असहज कर सकते हैं। मुझे से अनुभवहीन चित्रकार का कृतज्ञ सार्थक हो गया, द्रिज ने गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि जिस भाव के वशीभूत होकर मैंने रंगों को पत्रक पर बिखेरा उस भाव का बोध तुम्हें सहज ही हो गया। माया के होठ थरथराए, किंतु ये थरथराहट शब्दों का रूप न ले सकी। उसने द्रिज की ओर मुड़ने की कोशिश की, किंतु इस कोशिश में भी सफल न हो सकी। मेरे पास अधिक समय नहीं है माया, मैं तुमसे कोई प्रत्युत्तर मांगने नहीं आया हूँ और न ही ये जानने का अभिलाषी हूँ कि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति क्या भाव है। मैं केवल तुम्हें अपनी प्रथम और अंतिम कृति भेंट करने के साथ साथ एक विशेष प्रयोजन से अवगत कराने आया हूँ। माया अब भी खामोश रही। द्रिज गहरी सांस लेकर वर्तमान विचारों से निजात पाकर उस विषय पर आ गया जो शंकरगढ़ के हित के लिए उसके प्रेम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। महान तंत्र साधक अघोरनाथ ने अभिनंद के अंत के लिए एक युक्ति बताई है, किंतु युक्ति इतनी सहज नहीं है कि कोई साधारण मनुष्य उसे सफल बना सके। तो अब क्या होगा? राज्य की सुरक्षा का मुद्दा आते ही माया द्रिज की ओर मुड़ गई, जबकि उसके प्रश्न के उत्तर में द्रिज का चेहरा दृढ़ हो गया।
रात की स्याह चादर ने दक्षिण के जंगल की खुद में समेट लिया था। अभिनंद एक पेड़ की ओट से बाहर निकला। उसकी चाल मंथर थी, चेहरे पर भय था। इस शंकरगढ़ में अघोरनाथ की मौजूदगी का असर था, जो उसे अपने ही गढ़ में भयभीत और सतर्क होकर चलना पड़ रहा था। कुछ फासले तय करने के बाद वो चारों ओर निगाहें घुमाकर ये सुनिश्चित कर लेता था कि उस पर किसी की दृष्टि तो नहीं। अंततः वो एक टीले के पास पहुंचकर ठिठका। टीले की ऊंचाई एक व्यस्त मनुष्य के घुटने तक थी। अभिनंद की भयानक मुखाकृति और भी भयानक हो उठी। क्रोधातिरेक से उसके जबड़े भींच गए, आंखें भेड़िए की आंखों में तब्दील हो गए और वो टीले के पास घुटनों के बल बैठ गया। अक्षम्य अपराध। उसने टीले पर हथेली फिराई और फिर खून से लाल हो उठी हथेली पर दृष्टिपात करते हुए एक एक हर्फ को चबाते हुए बोला, ये अक्षम्य अपराध है। आपने हमारे भक्तों के शव का टीला खड़ा करवाया है द्रिज। आपने अपनी भयावह मृत्यु को और भी भयावह बना डाला। अघोरनाथ भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। इस राज्य का विनाश अस्वाभाविक है। कपालिकों के शव के टीले पर ठहरी अभिनंद की आंखों से आंसू बह चले। ऐसा लगा मानो उसकी भयावहता क्रोधाग्नि की आंच से पिघल कर आंसू के रूप में बह निकली थी। हमारा प्रतिशोध भयानक होगा, अत्यंत भयानक। अकस्मात ही वो थम गया। आगे कुछ बोलने से पहले वो रात की खामोशी के बीच उभरी आहट का जायजा लेने लगा। ये सुनिश्चित होते ही कि उसे कोई भ्रम नहीं हुआ था, आहट वास्तव में उभरी थी। वो बिजली की तेजी से पीछे पलटा। हालांकि पीछे गहन अंधकार के अलावा कुछ नहीं था, किंतु उसे आहट का कारण ज्ञात हो चुका था। उसके होठों पर वही पैसाचिक मुस्कान नृत्य कर उठी, जो अब तक उसके व्यक्तित्व की परिचायक बन चुकी थी। अभिनंद के साम्राज्य में आपका स्वागत है द्रिज। हमारा आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने के लिए वृक्ष की ओट से बाहर निकली। आतिथ्य सत्कार शब्द का प्रयोग करते समय अभिनंद का चेहरा खौफनाक होता था। थोड़े ही फासले पर मौजूद एक वृक्ष की ओट से द्रिज बाहर आया। दुस्साहस। अभिनंद की बेड़ी जैसी दड़ावनी आंखें चमक उठी। असीम दुस्साहस किया आपने। क्या हमारे भय से आपका विवेक हार लिया? भैया, द्रिज ने अस्फुट स्वर में पुकारा। भैया संबोधन सुनते ही अभिनंद के भावों में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। सर्वप्रथम उसने गगनभेदी अट्टहास किया और फिर अट्टहास के थमते ही उसने गंभीर मुद्रा अख्तियार कर ली। ओह, तो अग्रज के अंतिम दर्शन की लालसा आपको यहाँ खींच लाई। हम आपकी लालसा को अभी पूर्ण कर देते हैं। ओह, तो अग्रज के अंतिम दर्शन की लालसा आपको यहाँ खींच लाई। हम आपकी लालसा को अभी पूर्ण कर देते हैं। अभिनंद ने आकाश की ओर मुंह करके भीषण गर्जना की ओर इसी के साथ द्रिज ने अपने जीवन की सर्वाधिक आश्चर्यजनक घटना देखी। अभिनंद के मुंह से काले धुएं का एक गुबार निकला और भेड़िया मानव की आकृति में तब्दील होकर हवा में चक्कर काटने लगा। द्रिज की दृष्टि जब धुएं के गुबार से हटकर अभिनंद के स्थूल शरीर पर पड़ी तो एक ओर आस गुबारा निकला और भेड़िया मानव की आकृति में तब्दील होकर हवा में चक्कर काटने लगा। द्रिज की दृष्टि जब धुएं के गुबार से हटकर अभिनंद के स्थूल शरीर पर ही पड़ी तो एक और आश्चर्य को अपनी राह देखते हुए पाया। क्षण भर पहले ही उसने ही अभिनंद के जिस शरीर को चलायमान देखा था, वही शरीर अब निर्जीव अवस्था में भूमि पर पड़ा हुआ था। बिल्कुल उसी दशा में जिस दशा में उसने उसे पीपल के तने से उतारा था। अंतर केवल इतना था कि वो शरीर अब कराह नहीं रहा था। वातावरण में शव की दुर्गंध तेजी से फैलने लगी थी। भैया, अभिनंद के घिनौने शव को द्रिज ने अंक में भींच लिया, किंतु उसकी करुणा संवेदनाओं का शव पर कोई असर नहीं हुआ। काला धुआं परिवेश में चक्कर काटता रहा। द्रिज शव को अंक में भेजकर काफी देर तक आंसू बहाता रहा। अगर उसने अचानक शव में हुए परिवर्तन को न देख लिया होता, लाश अब फिर से सामान्य हो चुकी थी। उसकी आंखें फिर से खुल गई थी। द्रिज की बाहों में अब अभिनंद की विभत्स लाश न होकर स्वयं जीता जागता अभिनंद था। पूर्णतया स्वस्थ शरीर वाला अभिनंद। वायुमंडल में भी अब धुएं का काला गुबार नहीं था।
क्योंकि शमशानेश्वर पुनः अभिनंद की काया में प्रविष्ट हो चुका था। दृश उसे छोड़कर दूर हट गया, जबकि अभिनंद चेहरे पर हिंसक भाव लिए हुए उठा। देखा आपने दृश, हम पिशाचों के स्वामी होकर भी आप जैसे तुच्छ मनुष्य की भावनाओं का कितना सम्मान करते हैं। हमने आपको आपके अग्रज के अंतिम दर्शन करा दिए। सच को अपनी आंखों के प्रत्यक्ष देख लेने के बाद दृश के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। अभिनंद तो उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया था। दृश जिस क्षण उसने हमारी साधना पूर्ण करके हमें अपनी काया में आमंत्रित किया था, वो तो उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया था। जिस क्षण उसने हमारे साथ अपनी आत्मा का सौदा करके ब्रह्म पिशाच योनि में जाने से बचने हेतु हमारे तामसिक साम्राज्य का नागरिकता स्वीकार कर ली थी। क्या आपको ये लगता है कि जिस अभिनंद से आपने उसकी झोपड़ी में वार्तालाप किया था, जिसे आपने अपने वाकजाल में भरमा कर सैनिकों को सौंप दिया था, अथवा जिसे पीपल से बांध कर जीवित जला दिया गया था, वो अभिनंद आपका अग्रज था? दृज निरुत्तर था। नहीं दृज, ब्रह्म पिशाच ने स्वतः ही उतर दिया, वो अभिनंद नहीं था, वो हम थे जिसने तुमसे वार्तालाप किया था। ओ हम थे जिसे कारागार में डाल दिया गया था। ओ हम थे जिसे पीपल के तने से बांध कर जलाया गया था। भातृ प्रेम के आवेग में आकर आपने अपने अग्रज की रक्षा नहीं अपितु हमारे अर्थात शमशानेश्वर के अवतरण का मार्ग प्रशस्त किया था। हम अभिनंद जैसे साधकों की काया और उनकी वासनाओं को माध्यम बनाकर हमारी भोग विलास की कामना को तृप्त करते हैं, अन्यथा हम तो मरघट में वास करने वाली अशरीरी आत्मा भरी है। अभिनंद सदी हुई चाल से दृज की ओर बढ़ने लगा और उसी अनुपात में दृज भी पीछे खिसकने लगा। उस रात जब मुझे अकेला छोड़कर भैया जंगल में गए थे, तो उनके साथ क्या हुआ था? उस रात आपने और अभिनंद ने जिस स्त्री की चीख सुनी थी, उस स्त्री की बलि देकर हमारे पूर्ववर्ती धारक अघोरा ने हमें अपनी काया में आमंत्रित किया था। ये प्रवध का रचा हुआ खेल ही था कि अभिनंद औरत की चीख का उद्रम तलाशते हुए अघोरा के मठ में पहुंच गया था। कपालिक समुदाय अनुष्ठान पूर्ण होने का हर्ष मना रहा था। इसे कपालिकाओं ने अभिनंद को बालक समझकर उसे बिना कोई क्षति पहुंचाए भगा देना चाहा था, किंतु अचानक ही कपालिकों जैसी अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करके अपने शत्रुओं का नाश करने का दृढ़ संकल्प ले चुका अभिनंद भयभीत होकर भागने के बजाय निर्भयता से वहां डटा रहा। उसके भीतर शत्रुओं से प्रतिशोध साधने की कामना इतनी प्रबल थी कि उसने आपका भी मोह त्याग कर अघोरा के सम्मुख कपालिक दीक्षा लेने का प्रस्ताव रख दिया था। अघोरा को अवश्य ही उस बालक में कुछ विशेष नजर आया था जो उसने उसे कपालिक दीक्षा देनी स्वीकार कर ली थी। इसके पश्चात अभिनंद ने अनेकों तापसिक सिद्धियां प्राप्त करके अपने शत्रुओं को प्रताड़ित किया था। ओह, दृज ठिठक गया। माँ हमेशा सही कहती थी कि मन में प्रतिशोध की भावना पालने वालों का हश्र बहुत बुरा होता है। प्रतिशोध साधने की अदम्य चाह ने भैया को नरपिशाच बना दिया। उन्होंने स्वयं अपने ही हाथों से अपनी मुक्ति के समस्त मार्ग को अवरुद्ध कर दिए। दृज की व्यथा पर अभिनंद शमशानेश्वर ने कहा लगाया, अब आपके लिए उस चेतावनी की याद करने का समय आ चुका है दृज, जो हमने आपको तब दी थी जब राज्य के सैनिक हमें बंधक बना रहे थे। अभिनंद के विकृत स्वरूप ने दृज को खौफ ज्यादा कर दिया। उसकी रगों में भय की सर्द लहर सरगोशी कर उठी। उसे अनायास ही अभिनंद की चेतावनी याद आ गई। हमारी आपसे कोई शत्रुता नहीं थी, किंतु आज आपने हमारे सादृश एक नरपिशाच से अकारण ही शत्रुता मोल ले ली है। आपकी मृत्यु बहुत दारुण होगी दृज। हमें दिखाई पड़ रहा है कि शमशानेश्वर स्वयं अपनी कटार से आपको मुंडविहीन करेंगे। वे अपने भयानक दांत से आपकी गर्दन का मांस काट खाएंगे। दृज को और अधिक भयभीत करने के ध्याय से अभिनंद ने कपालिकों के खून से सनी अपनी हथेली उसकी ओर फैलाई। न केवल हथेली बल्कि उसके नुकीले नाखून भी रक्त रंजित थे। हमारे भक्तों के रक्त से रंजित ये हथेली हम आपके रक्त से धोकर स्वच्छ करेंगे दृज। इससे पूर्व कि दृज का साहस अभिनंद के खौफ से पराजित हो जाता, अघोरनाथ की हिदायत याद करके उसने आंखें बंद की और सांख्य योग के श्लोक का स्मरण किया। ये ऐन वेति हत्यारण यश्रवण मान्यता हतम।
उभौ तौना विजानी तो न्याय हंति न हन्यते। कोई लाभ नहीं है द्रिज, द्रिज न तो आप श्री कृष्ण है, न तो हम अर्जुन है, और न ही ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि है। गीता का कोई भी श्लोक आज आपके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाएगा। अभिनंद पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपने पैसाची कहकहों से वातावरण को गुजाता हुआ द्रिज की ओर बढ़ा, और जब द्रिज ने आंखें खोली तो उसे इतना निकट पाया कि उसका भेड़िया जैसा भयानक जबड़ा अस्पष्ट देख सकता था। उसने अपनी हथेली का खून द्रिज के चेहरे पर पोते हुए रहस्यमय लहजे में कहा, हम आपको मृत्यु नाम की रहस्यमयी यात्रा हेतु आमंत्रित करते हैं। अगले ही क्षण वातावरण में भेड़िए की गर्जना गूंजी और अभिनंद ने अपने दांत द्रिज के धड़ के उस हिस्से में धंसा दिए जहां गर्दन और कंध का जोड़ होता है। ओम अग्नि संधुछन क्रोमी स्वाहा। अघोरनाथ द्वारा मुखाग्नि मंत्र का उच्चारण पूर्ण होते ही कुश पुंज की लौ लपलपाई, हवाओं का वेग तीव्र हुआ, किंतु इससे पूर्व कि लौ बुझ जाती दिव्य पानी ने कुश की अग्नि को अभिनंद के आटे के प्रतीकात्मक पुतले के मुख पर रख दिया। उचित स्थान पाते ही ज्वाला ने अपना विस्तार किया और कुछ ही क्षणों में संपूर्ण चिता को अपने आगोश में ले लिया। सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हो जाने के कारण जहाँ दिव्य पानी और महाराज के चेहरे राहत के भाव थे, वहीं अघोरनाथ व्यग्रता के शिकार नजर आ रहे थे। आदरणीय श्रोता, तो ये थी हमारी आज की उपन्यास की 8वीं एपिसोड स्टोरी विथ अरुण पर। अभी आप लोग सुन रहे थे सस्पेंस थ्रिलर सुपरनेचुरल और हॉरर उपन्यास खौफ की रात। इस नॉवेल की ये 8वीं एपिसोड थी और इसे आगे की कथानक इसके 9वें एपिसोड में आप लोग सुन सकेंगे। आपको बता दूं कि इस उपन्यास का 9वां कड़ी होगा इस नॉवेल का लास्ट चैप्टर यानी इसका अंतिम एपिसोड। जी हाँ फ्रेंड्स, इस नॉवेल की अगली कड़ी यानी कि इसके 9वें एपिसोड होगा इसका अंतिम कड़ी, इसका लास्ट चैप्टर, जिसे लेकर आऊँगा मैं अरुण गिरी कल की श्रृंखला में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कल फिर मुलाकात होगी सस्पेंस थ्रिलर रहस्य और रोमांस से भरा एक बहुत ही खौफनाक उपन्यास खौफ की रात इसी नॉवेल की 9वीं और इसकी आखिरी कड़ी के साथ। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। आज के एपिसोड से दीजिए अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाज़त। नमस्कार।